क्वेश्चन था वो है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन डेफिशियंसी। जो कंजेनिटल अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन डेफिशियंसी है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। न्यूनेटल पीरियड में उसमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग जॉन्डिस होता है, कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनिया और लिवर डिसीज देखने को मिलता है। जबकि एडल्टहुड में पल्मोनरी एम्फाइसिमा, सिरोसिस और कभी कभी स्किन डिसीज और पेनिक्यूलाइटिस भी देखने को मिलता है। बाद में एक बार लूप डायरेटिक्स है उसके बारे में जो साइड इफेक्ट है वो पूछी गई थी, एडवर्स इफेक्ट ऑफ लूप एक्टिंग एंड थायराइड डायरेटिक। उसमें क्या होता है, उसमें जो एच प्लस आयन है उसका लॉस होगा, उसकी वजह से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस देखने को मिलेगा, हाइपोवोल्यूमिक फ्लूइड लॉस की वजह से उसमें हाइपोनेट्रेमिया और हाइपोकैलेमिया भी होगा, मतलब सोडियम पोटेशियम फ्लूइड और एच प्लस इन सब का लॉस होगा। पेरोक्सिमल नॉक्चुर हीमोग्लोबिनेमिया PNH वो एक नॉन मेलिग्नेंट क्लोनल एक्सपेंशन है हेमोपोइटिक स्टेम सेल का। उसमें आपको क्या रखना है, CD55 और CD59 उसकी डिफिशियंसी की वजह से RBC है उसका डिस्ट्रेक्शन होगा, और उसकी वजह से जो RBC का डिस्ट्रेक्शन होगा तो हीमोग्लोबिन है वो यूरिन में आएगा और हीमोग्लोबिन यूरिया होगा। आगे बात करें तो CKD में कौन सी ड्रग है तो वो कैल्सीफाइलेक्सिस करती है, तो उसका आंसर आएगा वारफरिन। अब आगे बढ़े तो मेरिस्टेमी टेस्ट है वो किसमें किया जाता है, जो रिकरेंट UTI इन मेन होता है उसमें मेरिस्टेमी टेस्ट किया जाता है। अब केराटोडर्मा और जॉन्डिस का क्या डिफरेंस है, दोनों में जो येलोइश डिस्कलरेशन है स्किन का वो तो होगा ही, पर जो जॉन्डिस है उसमें स्क्लेरा इन्वॉल्व होगा जबकि केराटोडर्मा में स्क्लेरा इन्वॉल्व होगा नहीं, जबकि अदर बॉडी पार्ट होगा। केराटोडर्मा का कोर्स क्या है तो वो एक्सेस इंटेक ऑफ केरोटीन से होता है और हाइपोथायरॉइडिज्म में भी देखने को मिलता है। बाद में जो गोल ब्लैडर कॉन्ट्रेक्शन और रिलीज ऑफ बाइल के लिए कोलेसिस्टिन रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में बात की थी। बाद में एक फंगल जो कि स्पोर ट्राइकोसिस के बारे में बात की थी वो कहाँ पे देखने को मिलती है, ये प्लांट है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलते हैं। वो डर्मल इनोक्यूलेशन ऑफ फंगस यूजुअली लाइक थ्रोन, अगर आपको कैट स्क्रेच करती है और उसमें जो फंगस है तो वो डर्मल इनोक्यूलेशन होगा और उससे स्पोरो ट्राइकोसिस होगा। उसमें मल्टीपल क्यूटेनियस नोड्यूल देखने को मिलते हैं जो बाद में अल्सरेट होते हैं उसमें से डिस्चार्ज होता है और उसमें से पल्मोनरी कैविटी और हीमोप्टोसिस पे भी चांस होते हैं। कैसे मैनेज करते हैं, जो क्यूटेनियस और लिम्फोक्यूटेनियस है उसमें इट्रोकोनाजोल से हम मैनेज करते हैं, जबकि सीवियर डिसीज है तो उसमें हमें एम्फोटेरोसिन भी देना पड़ता है। बाद में बात करें तो थर्ड हार्ट साउंड, तो वो नॉर्मली जो फिजियोलॉजिकल थर्ड हार्ट साउंड है वो यंग पीपल और प्रेगनेंसी में हमें सुनाई देता है, जबकि पैथोलॉजिकल बात करें तो हार्ट फेलियर और मिट्रल रिकर्जिटेशन में सुनाई देता है। वाटर हम हेमर पल्स, तो वाटर हेमर पल्स है वो एवोर्टिक रिकर्जिटेशन में हमें सुनाई देता है। एंटी डायबिटिक ड्रग की बात करें तो वेट गेन कौन करता है, लॉस और वेट न्यूट्रल कौन है, तो इंसुलिन और सल्फेनिलयूटास है जैसे कि ग्लिमिप्राइड ग्लिफिसाइड तो उसमें वेट गेन होता है, जबकि GLP-1 एनालॉग लाइक लीलाग्लूटाइड एमिलिन प्रेमिलिटाइड ये सब है और SGLT2 इनहिबिटर इसमें वेट लॉस होता है, जबकि DPP-4 इनहिबिटर लाइक सिटाग्लिप्टिन है वो वेट न्यूट्रल है। बाद में बात करें कैसेनुल फॉरेस्ट डिसीज वो साउथ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है, ये 2023 में ही पूछा गया था। जो स्कॉर्पियन बाइट है उसके बारे में क्वेश्चन आया था, तो स्कॉर्पियन है वो वेनम कैसे इंजेक्ट करता है, वो स्टिंगर के द्वारा ऑन देयर टेल वो स्टिंग करता है और वेनम इंजेक्ट करता है। मोस्ट स्टिंग्स आर पेनफुल होती है पर हार्मलेस होती है। उसकी ट्रीटमेंट में हमें अगर सीवियर है तो एंटी वेनम दे सकते हैं और एंटी वेनम नहीं है तो एंटी कोलिनर्जिक भी हम दे सकते हैं। बाद में अगर प्रेगनेंसी में चिकन पॉक्स हुआ है तो हम उसमें वैक्सीन नहीं दे सकते क्योंकि वो लाइव वैक्सीन है, पर उसमें हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन और एसाइक्लोविन ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं। बाद में बात करें तो क्यूटाइनस लार्वा माइग्रेन है तो वो वन ऑफ द कॉमनेस्ट लिनियर लीजन सीन इन ट्रैवलर मे बी एसोसिएट विद रिसेंट विजिट विद बीच में कोई गया है तो उसमें क्यूटाइनस लार्वा माइग्रेन देख सकते हैं। उसमें प्लूराइटिक होता है, अगर नॉन प्लूराइटिक दिया गया है तो वो गलत है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। बाद में उसकी जो स्पीड होती है वो 2-3 सेंटीमीटर पर डे होती है। बाद में सिस्टोसर्कोसिस है उसमें क्या होता है, तो पर्सनालिटी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो सेरेब्रल साइन है वो बहुत लेट देखने को मिलते हैं आफ्टर लार्वा डाई मतलब 50-20 ईयर, और सबक्यूटेनियस नोड्यूल है उसको हम एक्सेस करके हिस्टोलॉजी के लिए भेज सकते हैं। बाद में उसकी ट्रीटमेंट में हम रिस्क्विंटल 10 डेज के लिए हम देंगे। बाद में जो यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी होती है जो केमोथेरापी पेशेंट में उसमें हम ट्रीटमेंट में क्या देंगे, तो एक तो प्रोबिनेडिसिन फोर्स सेलाइन डायरेसिस और रास यूरिकेस ट्रीटमेंट में देंगे। ग्लोबुलिन लेवल है और थायरोटॉक्सिक फैसिएटिस में देखने को मिलता है, जबकि जो पिट्यूटरी एडिमा है वो लेक्टोट्रोप सेल में से अराइज होते हैं। बाद में वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इनहिबिट थायरॉइड सिंथेसिस एंड रिलीज, तो ये फिनोमेना है उसे वोल्फ
चाइकोव इफेक्ट कहते हैं। अब क्रायो प्रेसिपिटेटेड में क्या होता है, तो क्रायो प्रेसिपिटेटेड है वो फाइब्रिनोजन क्लोटिंग फैक्टर 8 और वॉन विलिंग्ब्रांड फैक्टर में रिच होता है, और जो मार्ट लिम्फोमा है वो एच पाइलोरी की वजह से होता है, ऐसा आपको पूछ सकते हैं। बाद में बात करें तो विच ड्रग मेंटेन एब्सटेन बाय रिड्यूसिंग क्रेविंग इन अल्कोहल, अल्कोहल कोई है अल्कोहलिक तो उसमें क्रेविंग कैसे कम करेंगे, एक इम्प्रोस्टेट ठीक है। बाद में ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है वो क्या है, तो पोस्ट केमोथेरापी 1 से 5 दिन के बाद जो इंट्रासेल्यूलर कंटेंट है वो रिलीज होगा। लिम्फोमा और ल्यूकेमिया में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा, उसमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपर यूरेसेमिया, हाइपर कैलेमिया और हाइपर फॉस्फेटेमिया, जबकि कैल्शियम कम देखने को मिलेगा। उसके ट्रीटमेंट में आपको हाइड्रेशन देना है, रास्पबेरी केस और फिब्यूक्लियस स्टेट आप दे सकते हैं, जबकि यूरिन अल्कलाइजेशन है वो रिकमेंडेड नहीं है, मतलब इसके ट्रीटमेंट में आपको ये नहीं करना है ठीक है। जबकि शोक का मोस्ट कॉमन कॉज इन सीवियर एक्टिव पेंक्रियाटाइटिस कौन सा है, तो सेप्टिक शोक रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फेक्टेड पेंक्रियाटिक नेक्रोसिस। ड्यूक्स क्राइटेरिया की बात करें तो मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया में क्या आएगा, तो पॉजिटिव ब्लड कल्चर और एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट, ये दो है वो मेजर क्राइटेरिया। जबकि माइनर क्राइटेरिया की बात करें तो प्री डिस्पोजिशन हार्ट कंडीशन और ड्रग एब्यूजर फीवर होना चाहिए। वास्कुलर फिनोमिना में क्या क्या आता है, एम्बोली, इंफ्रा एन्यूरिज्म, एम्ब्रेज और जानवेलिजन, जानवेलिजन है वो वास्कुलर फिनोमिना है, वो आईएमपी थिंग है। जबकि इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना की बात करें तो इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ओस्लर नोड, रोज नोड और रूमेटॉइड फैक्टर आता है। माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो उसमें जो पॉजिटिव ब्लड कल्चर जो मेजर में के क्राइटेरिया से मीट नहीं हो रहा है वो इन्वॉल्व होगा। और डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, तो अगर दो मेजर या तो एक मेजर और 3 माइनर या 5 माइनर प्रेजेंट है तो हम उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। बाद में मर्मर के बारे में बात करेंगे, वो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मर्मर है वो प्री लोड और आफ्टर लोड इंक्रीज होने पे इंक्रीज होगा जबकि डिक्रीज होने पे डिक्रीज होगा, एक्सेप्ट HOCM और मिटरल वार प्रोडक्ट्स उसमें है वो उल्टा हो जाएगा। और बात करें तो प्रीलोड कैसे इंक्रीज, स्क्वाटिंग और लेग रेस करेंगे तो प्रीलोड इंक्रीज होगा जबकि वाल्सोवा स्टैंडिंग पे प्रीलोड डिक्रीज होगा और आफ्टर लोड हैंड ग्रिप पे इंक्रीज होता है। और वास्कुलाइटिस की टाइप की बात करें तो लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस में जायंट सेल आर्थराइटिस, टाकायुसू आर्थराइटिस, मीडियम वेसल की बात करें तो पोली आर्थराइटिस, नोड्यूल कावासाकी और बर्जर डिजीज। स्मॉल वेसल्स में बाकी के सब आएंगे, HSV, गुडवास्टर, SLE, वेगनर, माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, जर्स्ट्रोस डिजीज सिंड्रोम, ये सब है वो स्मॉल वेसल में आएंगे। अब HIV इन्फेक्शन के चांस, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में 90% और क्यूटेनियस नीडल स्टिक इंजरी में 0.3%, म्यूकस मेम्ब्रेन स्प्लेसमेंट 0.09, वजाइनल इंटरकोर्स अगर फीमेल टू मेल है तो 0.05 और मेल टू फीमेल 0.1, जबकि वजाइनल डिलीवरी में 0.67% चांस है कि HIV होगा ठीक है। अब AV फिस्टुला जो डायलिसिस के लिए करते हैं उसमें लॉन्ग टर्म पे डिस्टेंसिंग और थिकनिंग ऑफ वेसल वॉल देखने को मिलेगा, जबकि वो हम अप टू 1 ईयर रख सकते हैं आफ्टर डायलिसिस इज कॉन्टेम्पलेटेड। फोरआर्म इज प्रिफर्ड, अगर फिस्टुला फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम है पॉसिबल नहीं है तो सिंथेटिक ग्राफ्ट हम यूज कर सकते हैं। बाद में हाई रेटिकुलोसाइट काउंट इसमें सिकल सेल, G6PD डेफिशिएंसी और ब्लड लॉस में देखने को मिलता है, जबकि विटामिन B12 डेफिशिएंसी है तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी में जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब बात करें तो पेलेग्रा विटामिन B3 मतलब कि नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जो पीपल है वो ओनली मेज बेस्ड डाइट लेते हैं उसमें ज्यादा देखने को मिलता है, और कैन डेवलप इन 8 वीक वो ईटिंग डाइट डेफिशिएंसी इन नियासिन और ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी का डाइट लेते हैं उसमें देखने को मिलता है, जो आर्थ्रोक्स डिजीज है उसमें भी देखने को मिलता है। 3 Ds आपको याद रखने हैं, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डेमेंशिया। बात करें तो एडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल प्रेशर कब बढ़ता है, टेट्रासाइक्लिन, रेटिनोल और विटामिन ए से वो इंक्रीज होता है। अब पार्किंसन में जो ट्रिमर है वो सब्सक्राइब कैसे करेंगे, उसके लिए ट्रीटमेंट में देंगे X-trihexyphenidyl, जबकि एकाइनेशिया और एसिडिटी जैसे सिम्टम है वो लिवोडेपा से हम सब्सक्राइब करेंगे, उसमें जो लिवोडेपा का स्मॉल अमाउंट ही ब्रेन तक रीच करता है और साइड इफेक्ट में नोजिया और हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, नोजिया है उसके लिए हम डोपामिन देंगे। बात करें नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो लाइपोप्रोटीन है वो सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है जबकि एल्ब्यूमिन लॉस होता है और ग्लोबुलिन नॉर्मल रहता है, एल्डोस्टेरोन भी इंक्रीज हो जाता है, कोएगुलेबिलिटी भी बढ़ जाती है, इन्फेक्शन के चांस इंक्रीज और डिक्रीज, एंटीथ्रोम्बिन 3 फैक्टर। अब बात करें एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसमें जो एक्सरे है उसमें सेक्रोलाइटिस देखने को मिलेगा, HLA-B27 का जो एसोसिएशन को देखने को मिलेगा, पर जो रूमेटिक फैक्टर है वो नेगेटिव होगा, मेल में ज्यादा देखेगा मॉर्निंग स्टिफनेस और बम्बू स्पाइन देखने को मिलेगा, ट्यूबरक्यूलस मेनिनजाइटिस, उसमें जो स्मियर है उसके कल्चर में एसिड फास्ट बेसिलाई देखने को मिलेगा,
उसका कल्चर है वो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, जबकि इनिशियल हम एक्सपर्ट एमटीबी या आरआईएस ऐसे करेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस और ट्यूबरक्यूलोसिस मेनिनजाइटिस। बात करें तो प्री रिनल एसोटोमिया में क्या देखने को मिलता है, हाइलिन कास्ट इन यूरिन सेडिमेंट। हर्सुटिज्म के ट्रीटमेंट में हम इस्ट्रोजन, फिनास्टिडिन और स्पाइरोनोलेक्टिन देंगे। जो इडियोपैथिक पार्किंसन डिसीज है उसमें हाइपोसोमिया और कॉन्स्टिपेशन जैसे नॉन मोटर सिंड्रोम, जबकि स्टार्टिंग में कॉग्निशन है वो स्पेयर होता है और स्पीच सॉफ्टर और इंटेस्टिंग हो जाती है। जबकि बात करें कि टेस्ट फॉर ग्राफेसिया एंड स्टीरियोग्नोसिया डन बाय कॉर्टिकल सेंसेशन। क्लीबर सिंड्रोम है उसमें जो जॉन्डिस है वो फास्टिंग के बाद ज्यादा दिखने को मिलता है। ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट और रूट पूछे जाते हैं, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है बाय फॉस्फेनेट, पेनेंटल ट्रीटमेंट है सोलिटोनिक एसिड, टेरिपेराटाइड है वो सबक्यूटेनस, जबकि डोनोसुनब है वो भी सबक्यूटेनस दे सकते हैं, बाद में एक एब्लोप्यूरेटाइड। तो ये सब है तो वो मेडिसिन के पार्ट वन में हमें इनको के बारे में पूछा गया। अगर फर्स्ट डिग्री हेमरॉइड है वास्कुलर तो उसकी ट्रीटमेंट पहले हम कंजर्वेटिव में जाएंगे, अगर कंजर्वेटिव से नहीं होगा तो बाद में स्क्लेरोथेरेपी उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा। अगर बल्की पाइल से और लार्ज है फर्स्ट डिग्री तो बेंडिंग और सेकंड डिग्री में भी बेंडिंग आएगा, और थर्ड और फोर्थ डिग्री पाइल्स में या तो हेमरॉइड्स में हेमरॉइडेक्टोमी उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा। बाद में बात करें कि मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड इन केस ऑफ पायोजेनिक लिवर एब्सेस, तो पायोजेनिक लिवर एब्सेस कैसे होता है, एसेंडिंग इन्फेक्शन थ्रू बिलियरी डक्ट। पोर्ट्स कॉफी ट्यूमर, पोर्ट्स कॉफी ट्यूमर क्या है, तो वो है सब पेरी ओस्टियल एब्सेस एसोसिएट विद ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन का ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है और जो सब पेरी ओस्टियल रीजन होता है उसमें एब्सेस हो जाता है। बाद में क्वेश्चन पूछा गया था टीटानस के बारे में, तो टीटानस एक एनएरोबिक स्पोर बियरिंग ग्राम पॉजिटिव क्लोस्ट्रीडिया टीटानी के द्वारा होता है। उसमें जो एक्सोटॉक्सिन है वो न्यूरोमस्कुलर मायोन्यूरल जंक्शन पे इफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से सब सिम्टम देखने को मिलते हैं। मटरनल टीटानस कब कहते हैं, अगर वो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन दरमियान हो या तो विद इन 6 वीक ऑफ कंक्लूजन ऑफ प्रेगनेंसी में हो। नियोनेटल टीटानस कैसे कहते हैं, अगर कोई बच्चे को नियोनेटल टीटानस है तो वो पहले 1-2 दिन तो वो नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, सक करेगा, पर बाद में उसमें जो सक की जो एबिलिटी है वो लूज हो जाएगी और वो कब 3 डे टू 28 डेट बिटवीन में देखने को मिलेगी। बाद में यहाँ पे क्लिनिकल फीचर दिए गए हैं वो आपको रीड करने हैं, ट्रिसमस, रेसस, सार्कोनिकस, मसल पेन, स्टिफनेस, बैक पेन, ये सब सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेटरी अरेस्ट से डेथ हो जाती है। बाद में इसके ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं, इंजेक्शन टीटी दे सकते हैं, डिब्रिटमेंट, मेट्रो, बेंजाल्पेनिसिलिन और मसल रिलैक्सेशन, ये हम उसकी ट्रीटमेंट में देंगे। बाद में बात करें तो न्यूट्रोसिग्मस कोमी है तो उसमें कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है, तो उसमें हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस होता है। सेल्डिंजर नीडल है वो आर्टियोग्राफी के लिए और विन सिल्वरमैन नीडल है वो लिवर बायोप्सी के लिए यूज होती है। जो हम होल ब्लड स्टोर करते हैं ब्लड बैंक में उसका आइडियल टेम्परेचर 4 डिग्री होना चाहिए। जो बिस्कल ट्रीटमेंट है वो वेनस के अल्सर के लिए यूज होती है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो एंकल एक्सरसाइज विच डिक्रीज इडिमा एंड फाइब्रोसिस। बाद में डेली 2 टाइम ड्रेसिंग करना है, रेस्ट एंड एलिवेशन, कंप्रेशन फॉर वुंड हीलिंग वो कैसे करेंगे, बैंडेज, स्टोकिंग और न्यूमेटिक कंप्रेशन हम यूज करेंगे। बाद में पूछा गया था अगर कार्सिनोइड ट्यूमर है वो अपेंडिक्स से 2.5 सेंटीमीटर दूर है तो हम क्या करेंगे, राइट हेमिकोलेक्टोमी करेंगे। बाद में एक क्वेश्चन था हीमोफिलिया, अब हीमोफिलिया ए और बी है वो एक्स लिंक रिसेसिव है, हीमोफिलिया ए में फैक्टर 8, बी में 9 और सी में 11 की डेफिशियंसी होती है, जबकि होन विलिंग ब्रांड डिसीज है वो इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उसमें ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। यूपीएससी सीएमएस के लिए आपको इतना ही याद रखना है। बाद में जर्म सेल ट्यूमर है उसका पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या है, तो फर्स्ट साइड मतलब प्राइमरी साइड मीडियास्टिनम हो, नॉन पल्मोनरी मेटास्टेसिस और एलडीएच 10 टाइम से ज्यादा इंक्रीज हो जाए। बाद में बात करें तो एम्बीट्यूब, एम्बीट्यूब एडवांस कैंसर ऑफ इसोफेगस में यूज होती है। बाद में जो सर्जरी है क्लेफ्ट पैलेट की वो चाइल्ड में कब की जाती है, तो बिटवीन 3 टू 6 मंथ। बाद में ये आपको वन लाइनर याद रखना है, क्रुकेनबर्ग ट्यूमर ओवरी में देखने को मिलता है, ब्लूमर्स सेल ट्यूमर है वो पेल्विक में देखने को मिलता है, वेट्रियस नोड है तो वो लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस में पाल्पेबल नोड है, सिस्टर जोसेफ नोड्यूल है वो सोलिटरी डिपॉजिट एट अम्बेलिकस में देखने को मिलता है। बाद में बात करें तो अगर आपको यंग एज दिया गया है और बायलेटरल कंडक्टिव हीलिंग लॉस दिया गया है तो वो किसमें, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है। फ्यूमरल ट्राइंगल के जो कंटेंट है उसमें मीडियल टू लेटरल ऐसे डायरेक्शन में पूछा गया था, तो फीमोरल कैनल, फीमोरल आर्टरी, वेन और नर्व ऐसे मीडियल टू लेटरल में आ गया। अगर उल्टा पूछा जाए तो इसका आपको उल्टा कर देना है। एंकल स्प्रेन है तो एंकल स्प्रेन में कौन सा लिगामेंट इन्वॉल्व होता है, तो एंटीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट यूज मतलब कि इफेक्ट होता है। बाद में बात करें तो डायाफ्रेगमेटिक ओपनिंग, तो ये आपको
याद रखना है I8 मतलब T8 पे IVC, ठीक है। 10X मतलब 10, X मतलब इसोफेगस और वेगस। 8, 12 मतलब 12 पे क्या, एओर्टा और थोरासिक डक्ट, ये आपको याद रखना है। बाद में जो लिखा हुआ है वो भी आप याद रख सकते हैं। बाद में जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा में केमोथेरापी रेजिमेन है आफ्टर मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी, अगर इस्ट्रोजन नेगेटिव है तो साइक्लोफोस्फेटामाइड, एड्रिनोमाइसिन और 5-फ्लोरोयुरोसिल यूज होता है। अगर पॉजिटिव है तो हमें हॉर्मोनल थेरापी साथ में देनी पड़ती है। एंकाइलियोग्लोसिया है वो T4 स्टेज ऑफ टंग कार्सिनोमा में देखने को मिलता है, जबकि इंट्यूसेप्शन है उसमें जो इंट्यूसेप्टम है और इंट्यूरिसेप्टर है, दो पार्ट होते हैं, तो इंट्यूसेप्टम है तो उसमें इस्टेमिया और परफोरेशन के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। एन्युलर पेंक्रियास क्या है, तो फेलियर टू कंप्लीट रोटेशन ऑफ वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड ड्यूरिंग डेवलपमेंट, सो द रिंग ऑफ पेंक्रियाटिक टिश्यू सराउंड द सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूओडेनम, ये आपको लोकेशन याद रखना है। बाद में उसके साथ ड्यूओडेनल स्टेनोसिस, एट्रेसिया और देयरफॉर मोर प्रीवेलेंस चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में उसका प्रीवेलेंस ज्यादा होता है और उसमें वोमिटिंग देखने को मिलेगी क्योंकि ड्यूओडेनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा और उसके ट्रीटमेंट हम ड्यूओडेनोस्टोमी करेंगे। उसमें पेंक्रियाटिटिस भी हो सकता है, विच केस रिसेक्शन ऑफ हेड ऑफ पेंक्रियास इज प्रिफरेबल टू लेजर प्रोसीजर, ठीक है। बाद में सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तो उसमें आएगा लंग, लीवर, पेंक्रियास और इंटेस्टाइन, ये चार चीजें आपको याद रखनी है। अगर आप कोई GIT की सर्जरी कर रहे हो तो उसमें वायबल इंटेस्टाइन और नॉन वायबल इंटेस्टाइन कैसे पता चलेगा, तो सर्कुलेशन कैसे देखते हैं, जो डार्क कलर का जो इंटेस्टाइन होगा वो लाइटर और विजिबल उसमें पल्सेशन होगा, बाद में जो नॉन वायबल है वो तो डार्क कलर का ही रिमेन रहेगा और उसमें पल्सेशन भी नहीं दिखने, इसका अपीयरेंस भी शाइनिंग होगा, इसका डल होगा, ठीक है। बाद में बात करें तो जो मस्कुलेचर है फर्म होगा, इसमें फ्लेबी थीन और फ्रीएबल होगा और इसमें पेरिस्टाइलिस होगा, इसमें नहीं होगा। बाद में ट्रायड ऑफ ब्रेन ट्यूमर है तो उसमें कौन सा ट्रायड देखने को मिलता है, तो ब्रेन ट्यूमर की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से सीजर होगा और जो ऑप्टिक नर्व है उसकी वजह से फोकल डिफिशिएट होगा, ऑप्टिक नर्व में प्रेशर बढ़ेगा उसकी वजह से। बाद में बात करें तो अगर हम डुप्लेक्स स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब बी मोड अल्ट्रासाउंड इन डुप्लेक्स स्क्रीनिंग करते हैं, तो उसमें जो एवोल्टा इलियक सेगमेंट है उसे विजुअलाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। बाद में क्वेश्चन था एपिडर्मल सिस्ट, तो एपिडर्मल सिस्ट है उसे सीबेशिया सिस्ट भी कहते हैं, वो स्किन से फिक्स्ड होती है और लाइन बाय स्टेटिफाइड स्कोमस एपिथेलियम और हेयर फोलिकल से डिवाइड होती है, उसमें सेंट्रल में एक पंक्टम होता है और ट्रीटमेंट एक्सीजन ओनली, उसमें ड्रेनेज रिक्वायर नहीं होता, सिर्फ आपको एक्सीजन कर देना है। बाद में था क्वेश्चन कार्सिनोइड ट्यूमर के बारे में, उसकी कॉमन साइट अपेंडिक्स है, बाद में इलियम और रेक्टम और वो कोल्चिस्काई सेल होते हैं इंटेस्टाइन क्रिप्ट के, वहां से अराइज होता है और उसमें से जो सेरोटोनिन है 5-हाइड्रोक्सीटायरेटामाइन ये रिलीज होता है और हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन और कैलिक्रिन ये सब भी रिलीज होता है। उसका जो प्लाज्मा मार्कर है जो ट्यूमर बल्क के स्क्रीनिंग के लिए यूज होगा वो है क्रोमोग्रेनिन ए और वो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर भी है। क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा, एक रेडिश ब्लू साइनोसिस, फ्लशिंग अटैक, डायरिया की जो हम ऑक्टियोटाइड की मदद से सब्साइड करेंगे, बोरबोरगेमी, ऑस्थमेटिक अटैक, इवेंचुअली पल्मोनरी एंड ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस और ग्रो स्लोली, बराबर ये स्लोली ग्रो होता है कंपेयर टू अदर मेलिग्नेंसी एंड नॉट सेंसिटिव टू केमो एंड रेडियोथेरेपी। बाद में आगे बात करें तो एक्टोपिक पेंक्रियाटिक लोकेशन कहाँ होते हैं, जो पेंक्रियास के अलावा एक्टोपिक सेल होते हैं तो वो कॉमनली कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो सब ग्रुपेसा ऑफ स्टमक, ड्यूओडेनम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लीवर, इलियम ऑफ स्पिन, एडजेंस टू पेंक्रियास, होल ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट डुप्लीकेशन सिस्ट, इसमें देखने को मिलते हैं। अब टाइफॉइड अल्सर थर्ड वीक ऑफ इलनेस में होता है और वो पैरेलल अल्सर टू लॉन्ग एक्सेस ऑफ गट सिचुएटेड यूजुअली एट डिस्टल इलियम में यूजुअली देखने को मिलता है, जबकि मिथोक्सीप्यूरिन है वो उसमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा है, जो भी एनेस्थेटिक हम यूज करते हैं उसमें मिथोक्सीप्यूरिन में नेफ्रोटॉक्सिसिटी बहुत ही ज्यादा है। बाद में जो पेंक्रियाटिक स्यूडोसिस्ट है उसका हम मैनेज कैसे करेंगे, तो पहले हम परक्यूटेनियस ड्रेनेज करेंगे या परक्यूटेनियस ट्रांसगैस्ट्रिक सिस्टोग्राफ्टोमी करेंगे, एंडोस्कोपिक ड्रेनेज भी कर सकते हैं। केटलाइन लाइन क्या है, तो केटलाइन लाइन रन बिटवीन गॉल ब्लैडर फेसा एंड मिडल हेपेटिक वेन, जो एक्टोपिक यूरेटर है वो यूरेटरी डुप्लीकेशन है, फीमेल में ज्यादा देखने को मिलती है और उसमें अपर पोल ऑफ किडनी में ड्रेनेज होता है। अम्बेलिकल सरनेयर की ट्रीटमेंट मायोस रिपेयर है, बाद में बात किया था तो लुजविन एंजाइना वो क्या है, तो वो ब्राउनी स्वेलिंग ऑफ सब मैंडिबुलर रीजन कंबाइंड विद इन्फ्लेमेटरी एडिमा ऑफ माउथ, उसमें पुट्रिड हेलोटोसिस देखने को मिलता है, कंडीशन वायोलेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से होता है विद एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, बाद में वो मे बी इसमें अंडरलाइंग ओरल
कैविटी कार्सिनोमा भी प्रेजेंट हो सकती है। और उसमें डिस्पेजिया, क्योंकि टंग का जो अपवर्ड और बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्पेजिया और पेनफुल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन दिखने को मिलता है। अब उसे अनट्रीटेड हमें रहने दें तो वो डीप फेशियल लेयर है उसमें जाएगा और इन्वॉल्व लैरिंग्स लीडिंग टू ग्लोटिक एडिमा एंड फर्दर कॉम्प्रोमाइज द एयरवे। बाद में अगर कोई हेड इंजरी का पेशेंट आया है तो कुछ उसमें कौन से वाइटल्स आपको मेंटेन रखने हैं, जो पीसीओटी है वो 4.5 टू 5 केपीए रखना है, पीओटू 11 केपीए, मीन आर्टेरियल प्रेशर है 80 टू 90 एमएमएसजी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर लेस देन 20 रखना है, सेरेब्रल परफ्यूजन मोर देन 60 रखना है, सोडियम मोर देन 140 और पोटेशियम मोर देन 4 रखना है। और ऑस्टियोसारकोमा का मोस्ट कॉमन साइट है वो है डिस्टल फीमर। बाद में देखें तो रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन इज इंडिकेटेड इन इमरजेंसी सर्जरी फॉर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, मिडलाइन शिफ्ट हेड इंजरी के लिए और यूज होता है। बाद में जो मेजर सब टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है वो, मतलब जो जीन एर एनालिसिस में जो मेजर सब टाइप है वो है लुमिनल ए एंड बी ट्रिपल नेगेटिव और हर टू रिसेप्टर पॉजिटिव। और वेलेंटाइनो सिंड्रोम कब होता है, परफोरेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर होता है तब राइट इलिया कोसा में पेन होता है, उसे वेलेंटाइनो सिंड्रोम कहते हैं। वेनस थ्रोम्बोसिस है पोस्ट ऑप में, उसके रिस्क फैक्टर क्या है, एज अगर ज्यादा हो 60 से, प्रेगनेंसी हो, ओबिसिटी हो, ठीक है। बाद में कोहलर डिसीज इज अमास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ नेवोक्युला, तो ये आपको याद रखना है। बाद में जो पोस्ट प्लिनेक्टोमी में अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होते हैं कौन कौन से है, स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनिया, मेनिनजाइटिस और एच इन्फ्लुएंजा और ई कोलाई। अगर आप इलेक्टिव स्प्लिनेक्टोमी कर रहे हैं तो 2 वीक प्रायर इन सब की वैक्सीन देनी है, और इन्फ्लुएंजा की तो आपको जल्दी वैक्सीन भी रिकमेंडेड करनी है, और पहले 2-3 सालों में ये इन्फेक्शन का रिस्क सबसे ज्यादा रहता है। बाद में पैकेट डिसीज के बारे में बात करते हैं तो वो क्या है, तो अगर ब्रेस्ट कार्सिनोमा है तो उसका वो सुपरफिशियल मैनिफेस्टेशन है, उसमें निपल और एरोला एरिया है, उसमें एक्जिमा होगा, वो लोकल ट्रीटमेंट से भी सब्साइड नहीं होगा, जबकि निपल एरोल सोवली एंड इवेंचुअली डिसअपीयर। अगर आपको लगे तो उसमें डाउट लगे तो बायोप्सी आप कर सकते हैं। अब पेरिटोनियल ट्यूमर के बारे में क्वेश्चन था कि पेरिटोनियल ट्यूमर है वो मोस्ट कॉमन जो हमारी ग्लैंड है उसका ट्यूमर है, वो 80-90% बिनाइन है, स्लो ग्रोइंग, प्लेनलेस, सुपरफिशियल, प्लियोमोर्फिक एडिनोमा मोस्ट कॉमन है, जबकि 60-70% सम मैंडिबुलर ग्लैंड है उसके ट्यूमर बिनाइन है और सब लिंगुअल ग्लैंड मेलिग्नेंट है। रीफिटिंग सिंड्रोम की बात करें तो उसमें सब कम हो जाता है, फॉस्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब आगे बढ़े तो अगर मेडिकल का फ्रैक्चर हुआ है तो मेंटल नर्व इंजर होगी, इसकी वजह से जो लोअर लिप है उसमें पेरास्थेसिया होगा। बाद में डुक्रेन कॉन्ट्रैक्चर ऑटोसोमल डिसीज है और एल्डर में देखने को मिलता है, अल्कोहल स्मोकिंग और हाइपोथायरॉइडिज्म के वो संलग्न होता है। बाद में बात करें स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनिया मोस्ट कॉमन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया करता है। डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी की बात करें तो फॉर्म ऑफ प्राइमरी ब्रेन इंजरी सीन इन हाई एनर्जी एक्सीडेंट विच यूजुअली रेंडर द पेशेंट कोमेटस, इट इज स्ट्रिक्टली पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस बट मे पोस्टमार्टम सिटी अपीयर नॉर्मल। सिटी में जो डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी है वो नॉर्मली आएगी, अगर हाई एनर्जी एक्सीडेंट हुआ है उसमें वो देखने को मिलेगी और पेशेंट कोमा में चला जाएगा। बाद में बात करें कि अगर डायफ्रामिक इंजरी अगर सस्पेक्टेड है एक्सरे में तो डायरेक्ट आप डायग्नोस्टिक रेप्रोस्कोपी के लिए जाएंगे, पाइलोरिक स्टेनोसिस में गैस्ट्रिक आउलेट सिंड्रोम देखने को मिलेगा। बाद में लास्ट टॉपिक है वो है ग्रैनुलोमेटस थायरोडाइटिस, सब एक्यूट थायरोडाइटिस, ड्यूक विनेट थायरॉइड, ये सब इनके नाम है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। जबकि क्लिनिकल फीचर की बात करें तो सब एक्यूट प्रेजेंटेशन लेग पेन, फीवर, मलेशिया फॉर्म, इरेग्युलर एनलार्जमेंट ऑफ वन और बोथ थायरॉइड लोब का एनलार्जमेंट होता हो जाता है, एक्यूट ऑनसेट होता है, जबकि सीवियर पेन टेंडरनेस होता है गोइटर की तरह, हाइपरथायरॉइडिज्म के भी सिम्टोम देखने को मिलते हैं, एसिम्प्टोमेटिक इन 1/3, ठीक है। बाद में इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर है वो इंक्रीज हो जाएगा, थायरॉइड एंटीबॉडी भी नेगेटिव होगी, T4 इंक्रीज हो जाएगा, लो अपटेक ऑफ 1-2-3 I, जो आयोडीन है 1-2-3 आयोडीन है वो डायग्नोस्टिक यूज के लिए होता है, जबकि 1-3-1 आयोडीन है वो थेरापिटिक यूज के लिए होता है। सेल्फ लिमिटिंग होता है, गोइटर फ्यू मंथ्स में सबसाइड होता है और रिकवर से पहले एक बार हाइपोथायरॉइडिज्म में पेशेंट जा सकता है। बाकी बात करें तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, FNSE रेडियोएक्टिव आयोडीन अपटेक और रैपिड सिम्टोमेटिक रिस्पॉन्स टू प्रेडनिसोन कैन कंफर्म द डायग्नोसिस, तो ये सब वो यहाँ पे दिए हैं। पहला था इस्टेमिक परफ्यूजन सिंड्रोम, तो इस्टेमिक परफ्यूजन सिंड्रोम क्या है, तो वो जब सिस्टमिक हाइपोपरफ्यूजन सेल्यूलर एंड ऑर्गन डैमेज प्रोग्रेसिस ड्यू टू द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ टिश्यू हाइपोक्सिया एंड लोकल एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लामेशन से होता है, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, अपनी बुक में भी लिख दीजिए। बाद में जो ब्लड सब्स्टिट्यूट, मतलब अगर आपके पास ब्लड नहीं है तो उसकी जगह पर आप ट्रांसफ्यूज कर सकते, ऐसा सब्स्टिट्यूट बनाने की कोशिश जारी है, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पूछे गए थे।
तो वो क्या है, एक्सपेंसिव, अभी भी अंडर ट्रायल है, ठीक है। आगे बात करें तो बायोमिमेटिक और एबायोटिक मिमिक ओटू कैरिंग ए कैरेक्टरिस्टिक पे ब्लड सब्सिट्यूट बनाए जा रहे हैं। बाद में हीमोग्लोबिन बेस्ड है, जबकि एबायोटिक सिंथेसिस इज सीन एज ऑक्सीजन कैरिंग एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेस्ड, ये आपको याद रखना है। बाद में लोकल एनेस्थेटिक की बात की गई थी। अब लोकल एनेस्थेटिक में शॉर्ट एक्टिंग, तो शॉर्ट एक्टिंग प्रोकेन और क्लोरप्रोकेन आते हैं, जबकि इंटरमीडिएट एक्टिंग है उसमें लिग्नोकेन और प्रिलोकेन आते हैं। लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो ब्यूपिवेकेन, तो एक क्वेश्चन है 2023 में ही पूछा गया था, टेट्रासाइक्लिन, ब्यूपिवेकेन, पीबुकेन और इटोनोकेन, तो ये आपको याद रखनी है। अब नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस क्या है, तो नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस से जो डेमेंशिया होता है वो रिवर्सिबल होता है, और उसमें एक ट्रायड देखने को मिलता है, तो ये ट्रायड है गेट डिस्टर्बेंस, इनकंटिनेंस और कोग्निटिव डिक्लाइन। अगर ये ट्रायड देखने को मिले, साथ में डेमेंशिया देखने को मिले, तो उसे हम नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस डायग्नोसिस कर सकते हैं। बाद में बात करें तो असाइटिस के कोज पूछे गए थे, तो दो टाइप के असाइटिस, ट्रांसजूडेट्स, ट्रांसजूडेट्स असाइटिस में जो असाइटिस फ्लूड होता है उसमें प्रोटीन है वो लेस देन 25 ग्राम पर लीटर होगा, मतलब कि लो प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन, वो किसकी वजह से होगा, उसके जो कोज दिए गए हैं माल न्यूट्रिशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी, या तो इंक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर सीसीएफ में होता है, और पोर्टल हाइपोटेंशन सिरोसिस, पोर्टल वेन थ्रेम्बोसिस। अब एक्सुडेट की बात करें तो उसमें जो प्रोटीन होता है वो मोर देन 25 ग्राम पर लीटर होता है। अब वो कहाँ पे, मेलिग्नेंसी, टीबी पेरिटोनाइटिस, बर्ड चियारी सिंड्रोम, पेंक्रियाटिक असाइटिस, चिलोस असाइटिस और मिक्स सिंड्रोम में देखने को मिलता है। जो मिक्स सिंड्रोम है उसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, वो आप हमारे ओबीजीवाई के रिविजन में देख सकते हैं। अब सीट बेल्ट है, उससे जो कॉमन इंजरी होती है वो मेजेंट्री में होती है, उसे सीट बेल्ट सिंड्रोम कहते हैं। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर कौन सा है लीवर का, तो एमेंजियोमा। अब एक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, फेमिलियल एडिमेटोसिस पोलिपोसिस ये ऑटोसोमल डिसीज है, मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है, उसमें 100 से भी ज्यादा कोलोरेक्टल एडिनोमा, ड्यूओडेनल एडिनोमा और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन होते हैं, और 100% कार्सिनोमा के रिस्क है। 50% ऑफ पेशेंट विथ एफएपी हैव कंजेनिटल हाइपरट्रॉफी ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, बाद में वो मेसोडर्मल ट्यूमर के साथ भी एसोसिएट होता है। बाद में बात करें तो जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, तो जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम क्या है, तो जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम है वो फुलमिनेटिंग अल्सर डायस्टेसिस इन स्टमक, ड्यूओडेनम एंड एटिपिकल साइट, वो उसमें जो अल्सरेशन है वो रिकरेंट होते हैं, उसमें अगर आप थेरापी दो तो भी वापस से अल्सरेशन आ जाता है। वो कहाँ से होता है, तो नॉन बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास और ड्यूओडेनम, गैस्ट्रिनोमा होता है वो नॉन बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास में होता है, उससे जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम होता है, उसमें 60% ट्यूमर है वो मेलिग्नेंट है। बाद में बात करें तो एनाटोमिकल एरिया कंप्राइजिंग द हेड ऑफ पेंक्रियास, द सुपीरियर एंड डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ ड्यूओडेनम एंड रिलेवेंट लिम्फ नोड, ये सब तीन चीजें है वो क्या बनाती है, गैस्ट्रिनोमा ट्राइंगल बनाती है। तो गैस्ट्रिनोमा ट्राइंगल में क्या आएगा, हेड ऑफ पेंक्रियास, सुपीरियर एंड डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ ड्यूओडेनम और लिम्फ नोड। अब उसे डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, तो पहले तो हमें पीएच देखनी है, तो पीएच लेस देन 2.5% 2.5 होगी, ठीक है। जो गैस्ट्रिन लेवल है वो अबो 1000 पाइकोग्राम पर ml होगा, जो गैस्ट्रिक फ्लूइड का। अगर गैस्ट्रिन लेवल नॉर्मल आया 100 to 500, तो फिर आपको सिक्रेटिंग लेवल देखना है, और अगर ओ टेस्ट पॉजिटिव आया और जो प्री ट्रीटमेंट वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिन है वो मोर देन 200 पाइकोग्राम पर ml है, तो आप जोलिंजल एलिसन सिंड्रोम का डायग्नोसिस कर सकते हैं। बाद में जो पीवाईक्यू था कि बेस्ट कॉस्मोटिक रिजल्ट फॉलोइंग ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन, उसमें आएगा ए सेल्यूलर डर्मल मेट्रिक फ्लैप। बाद में किपल ट्रेन्यूर सिंड्रोम पूछा गया था, उसमें क्या देखने को मिलता है, क्यूटाइनस नेवस देखने को मिलता है, वेरिकोस वेन, सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है, और ए फेमिलियर डिसीज नहीं है, तो ए पीवाईक्यू में आप पूछा गया था। अगर वहां पे दिया गया है कि ये फेमिलियर डिसीज है तो वो एक्सेप्ट में निकल जाएगा। बाद में फेल्टी सिंड्रोम का ट्रायड आपको याद रखना जरूरी है, उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूकोपेनिया और स्प्लिनोमेगाली, ये तीन चीजें हैं वो फेल्टी सिंड्रोम में आती है, उसके ट्रायड में आती है। बाद में बात करें ग्लेमस ट्यूमर, तो ग्लेमस ट्यूमर क्या है, ग्लेमस ट्यूमर फ्रॉम सबक्यूटाइनस एविसेंट स्पेशली इन द कैरियम ऑफ नेल ब्लेड में देखने को मिलता है, उसमें स्मॉल पर्पल नोड्यूल देखने को मिलते हैं, पेनफुल होता है, और अगर पेशेंट कोल्ड में जाएगा तो वहां पे ज्यादा उसको पेन होगा। बाद में जो पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है कंजेनाइटल बच्चों में, उसके लिए हमें एंडरसन हायरप्लास्टी करनी है, उसमें जो अपर थर्ड ऑफ यूरेटर है और रिनल पेल्विक है उसे हमें मोबिलाइज करना होता है।
और पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर करना होता है। बाद में बर्ड चियारी सिंड्रोम की जो मैंने आपको एक्सुडेट के टाइप आपको बताए कि एक्सुडेट टाइप है असाइटिस में, उसमें एक था बर्ड चियारी सिंड्रोम, वो यंग फीमेल में देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली, और उसमें जो लिवर वेनस डैमेज है उसका ओक्लूजन होता था। क्यों? क्योंकि हेपेटिक वेनस थ्रोम्बोसिस और वेनस वेब लीड टू एक्यूट लिवर कंजेशन, इम्पेयर फंक्शन, पोर्टल हाइपरटेंशन, असाइटिस और इसोफेजियल वेराइसिस। ये सिम्टोम बर्ड चियारी सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। फुलमिनेंट लिवर फेलियर इन एक्यूट केस कैन अकर, ओके, लिवर फेलियर भी हो जाता है और क्रोनिक केस में असाइटिस देखने को मिलता है। बाद में इसमें एंटी थ्रोम्बिन 3 प्रोटीन सी और एस की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करें तो सिटी स्कैन उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। जो फुलमिनेंट लिवर फेलियर है उसमें लिवर ट्रांसप्लांट नॉन सिरोटिक केस है उसमें हमें टिप्स और लाइफ लॉन्ग एंटी कोएगुलेंट हमें चालू रखना है, ये उसकी ट्रीटमेंट है। बाद में अगर कोई हिमेटोमा लग गया है लार्ज और पेनफुल तो उसे आपको इंसाइज और एस्पिरेट करना है। फ्लैश ईटिंग बग कौन से है तो वो है एस पायोजन। बाद में ट्रायल पूछा गया था कि मिलियन ट्रायल एनएसएबी और एवोल्टिक ट्रायल वो किसका ट्रायल है तो वो ब्रेस्ट कंजर्वेटिव वर्सेज मेस्टेक्टोमी का ट्रायल है। बाद में कोलेडेकोल सिस्ट, तो कोलेडेकोल सिस्ट क्या है वो कंजेटल सिस्ट है और बिफोर 10 ईयर 60% डायग्नोसिस अपॉन बिफोर 10 ईयर और उससे कोलेंजियो सार्कोमा है उसका होने का चांस इंक्रीज हो जाता है। बाद में जो एक मसल रिलैक्सेंट है वो इंक्यूबेशन मतलब रैपिड इंक्यूबेशन करना है तो और शॉर्ट टाइम में तो आप कौन सा मसल रिलैक्सेंट यूज करेंगे तो सक्सामिथियोनिन। बाद में बात करें कि बर्स्ट एब्डोमेन का अर्लीस्ट क्लिनिकल फीचर तो सीरस बोन डिस्चार्ज और इंटेस्टिनल जो एनास्टोमिसिस करते हैं उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर है वो है सब म्यूकसा। बाद में आगे बढ़े तो गेस्ट्रोसिस, तो गेस्ट्रोसिस में क्या होता है उसमें फेटल गट प्रोलैप्स होता है राइट साइड ऑफ अम्बेलिकस एट बर्थ। बोवेल इज नोन वो रोटेटेड नहीं होता है, फोर शॉर्टन होता है और कवर्ड बाय फाइब्रिनस पेल, मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता, वो एक फाइब्रिन लेयर से कनेक्ट होता है। जबकि एक्सोमल एक्सोफेलस है तो वो कंजेनाइटल डिफेक्ट है एब्डोमिनल वॉल के, उसमें बावेल और सॉलिड विसरा है वो पेरिटोनियम और एमनियोटिक मेम्ब्रेन से कवर होता है और उसमें क्रोमोसोम और कार्डियक एनोमली एसोसिएट हो सकती है। बाद में जो आईलिड का मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो है बेसल सेल कार्सिनोमा। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन सब मैंडिबुलर ग्लैंड डाइसेक्शन, आप सब मैंडिबुलर ग्लैंड डाइसेक्शन कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क कौन सा होगा तो पोस्टीरियर बोल्डर ऑफ माइलोहायड मसल ERCP है उसमें साइड व्यूइंग हम करते हैं। जो सेक्सुअल डिसफंक्शन है वो पेल्विक एनाटॉमिक नर्व है उसके जो इंजरी होगी उससे सेक्सुअल डिसफंक्शन होगा। बाद में रिकरेंट थायरोटॉक्सिस कोशिश है उसमें सर्जरी के बाद रिकरेंट आई थायरोटॉक्सिस होता है तो उसकी ट्रीटमेंट में ओनली रेडियो आयोडीन दिया जाता है। बाद में बात करें तो रीनल कार्बन कल तो वो क्या है वो जो रीनल पेरेन्काइमा है उनका एब्सेस है, वो ब्लड बोन एब्सेस है मतलब ब्लड बोन स्प्रेड होता है ऑर्गेनिज्म का स्पेशली कोलिफॉर्म और स्टेफाइलोकोकस ओरियस, कॉमन इन डायबिटीज आईवी अब्यूजर और इम्यूनोडिफिशियंसी पेशेंट और क्रोनिक डिसीज। उसमें लोइन में एक इल डिफाइन स्वेलिंग देखता है, परसिस्टेंट फीवर रहता है, ल्यूकोसाइटोसिस पॉज बैक्टीरिया इन यूरिन। एंटीबायोटिक से उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा मतलब ओनली एंटीबायोटिक इज नॉट सफिशियंट, आपको ड्रेनेज भी करना पड़ेगा। थैंक यू। पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंडस्ट्री में जो एजार्डियस केस होते हैं उनके टाइप पूछे जा सकते हैं। जो सिंपल केसेस होते हैं उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आएगा, एस्पेक्शियस केसेस है उसमें कार्बन मोनोक्साइड, साइनाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोराइड इंक्लूड होगा, जबकि एनेस्थेटिक केसेस में क्लोरोफॉर्म, ईथर और ट्राइको इथिलीन इन्वॉल्व होगा, ये आपको याद रखना है। और बाद में एक क्वेश्चन था कि क्रॉस ओवर स्टडी कब सूटेबल नहीं है, तो उसके जो आपको याद रखने हैं वो है इफ द ड्रग ऑफ इंटरेस्ट क्योर द डिसीज, इफ द ड्रग इज इफेक्टिव ओनली ड्यूरिंग सर्टेन स्टेज ऑफ डिसीज, इफ द ड्रग चेंजेस रेडिकली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर फॉर स्टडी। तो अगर ये चीजें ड्रग में इन्वॉल्व है तो वो क्रॉस ओवर स्टडी के लिए सूटेबल नहीं है। बाद में ऐसा पूछा गया था कि HIV और एड्स के लिए 90-90 और 90 ये रेशियो क्या है, तो 90% पीपल लिविंग विथ HIV नो देयर स्टेटस, 90% ऑफ पीपल डायग्नोस्ड विथ HIV रिसीव एंटी रिट्रोवायरल थेरापी और 90% में वायरल सप्रेशन होना चाहिए। 90% को अपना HIV स्टेटस पता होना चाहिए, 90% ARTP पे होने चाहिए और 90% में वायरल सप्रेशन होना चाहिए। बाद में लेड पॉइजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, उनका आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो कोप्रोपोरफिरिन है वो यूरिन में प्रेजेंट होगा, उनकी नॉर्मल वैल्यू 150 माइक्रोग्राम है, अगर इससे ज्यादा है तो लेड पॉइजनिंग प्रेजेंट है।
बाद में बात करें तो एमिनोलेव्युलिनिक एसिड है वो मोर देन 5 मिलीग्राम पर लीटर आपको देखने के मिलेगी, मतलब लेड है वो ब्लड में और यूरिन में देखने को मिलेगा। बाद में उसकी जो एंटीडोट है, ट्रीटमेंट है, इसके लिए चिलेटिंग एजेंट मतलब डी पेनिसिलेमाइन यूज होता है, वही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। अब आगे बढ़े तो को एफिशियंट और को रिलेशन टिपिकली डिनोट बाय आर रेंज बिटवीन -1 to +1। अगर +1 है तो मतलब वहां पे लीनियर रिलेशनशिप है, अगर 0 है तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, और नेगेटिव है तो नेगेटिव मतलब उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बाद में बात करें तो कोरिलेशन डज नॉट नेसेसरी प्रूव कॉजेशन, और कोरिलेशन इज डन बिटवीन 2 वेरिएबल, दो चीजों के बीच में कोरिलेशन किया जाता है, जैसे कि हाइट और वेट, टेम्परेचर एंड पल्स, एज एंड वाइटल कैपेसिटी इटीसी, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर देर इज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन और नॉट बिटवीन 2 वेरिएबल, इसके लिए हम कोएफिशिएंट कोरिलेशन देखते हैं। बाद में पूछा गया था एंथ्रोकोसिस, एंथ्रोकोसिस में जो फर्स्ट स्टेज है उसमें सिंपल न्यूमोकोनोसिस होता है, जबकि सेकंड फेज में प्रोग्रेसिव मेसिव फाइब्रोसिस होता है, तो ये दो स्टेज आपको याद रखने हैं। आगे का क्वेश्चन देखें तो मॉडल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन मॉडल में कौन कौन सी चीजें आती, तो मेडिकल मॉडल, मोटिवेशनल मॉडल और सोशल इंटरवेंशन मॉडल। टाइप ऑफ लर्निंग पूछे गए थे तो 3 टाइप के लर्निंग होते हैं, इफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर। अब देखिए जो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है उसमें ब्लैडर कैंसर कैसे होता है, ब्लैडर कैंसर है वो डाई स्टॉप से होता है, मतलब जो डाइंग इंडस्ट्री है जिसमें डाई को बनाया जाता है उसमें होता है। और ल्यूकेमिया कैसे होता है, ल्यूकेमिया लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ बेंजोइड से होता है, अगर बेंजोइड का ज्यादा एक्सपोजर होगा तो ल्यूकेमिया के चांस भी इंक्रीज हो जाएंगे। बाद में आगे बढ़े तो अगर आप जो पानी पीते हैं उसमें नाइट्राइट प्रेजेंट होगा तो HB मीथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और नालगोडा टेक्निक इसके लिए तो फ्लोराइड रिमूवल के लिए यूज होती है। बाद में प्लेनम वेंटिलेशन क्या था, कि प्लेनम वेंटिलेशन मतलब फ्रेश एयर बाय सेंट्रोफ्यूगल फैंस एंड क्रिएट अ पॉजिटिव प्रेशर एंड डिस्प्लेस द वेंटिलेट एयर, के मतलब जहां पे एसी होता है वहां पे एक प्लेनम वेंटिलेशन रखना पड़ता है कि जो जो अंदर है वो एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करेगा और एयर को डिस्प्लेस करता रहेगा, जबकि एग्जॉस्ट वेंटिलेशन क्या है, एयर इज एक्सक्रेटेड और एग्जॉस्ट टू आउटसाइड बाय फैन ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो फैन आप ओपन स्टार्ट करेंगे तो एयर है वो पूरी बाहर चली जाएगी और वो इलेक्ट्रिक सिटी से चलेगा। बाद में जो टाइफाइड वैक्सीन थे उनका टाइप पूछा गया था और कब कब दी जाती है वो पूछा गया था, जो टाइफाइड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है उसका 1 डोज इनफ है, वो IM या सबक्यूटेनस दिया जाता है, जबकि जो ओरल है TY21A उसके 3 डोज 1, 3 और 5 डे पे दिया जाता है, और दोनों वैक्सीन में इम्यूनिटी आफ्टर 7 डे आ जाती है, 7 दिनों के बाद इम्यूनिटी आ जाती है। कोलेरा के वैक्सीन के टाइप पूछे गए थे, प्यूकरल है, उसकी सेल्फ लाइफ है 3 ईयर है, जो 2 to 8 सेल्सियस पर आप रखेंगे तब आपको 3 ईयर की सेल्फ लाइफ मिलेगी। दूसरे टाइप है सिंकोल और मोर्गवैक्स। बाद में बात करें लेट मटरनेट डेथ कैसे कहा जाता है, अगर मदर की डेथ पोस्टमार्टम पीरियड में आफ्टर 42 डेज टू 1 ईयर होती है तो उसे लेट मटरनेट डेथ कहा जाता है। बाद में एडप्टिंग इन्वायरमेंट टू जीन्स उसे क्या कहते हैं, इथेनिक्स कहते हैं, ठीक है। बाद में मोस्ट हीट सेंसिटिव टू लीस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन के बारे में बात करके कि कौन सी वैक्सीन है वो सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव है, तो BCG आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन हम उसमें डाइल्यूट एड करते हैं, बाद में जो वैक्सीन होती है BCG की वो मोस्ट हीट सेंसिटिव है। बाद में बात करें OPV, IPV, MR, रोटा, JE, DPT, BCG, TT, पेंटा, हेपेटाइटिस बी और PCV, तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। बाद में जो मलेरिया एलिमिनेशन का प्रोग्राम है इंडिया में फ्रॉम 2016 टू 2030 उनके बारे में बात कर रहे थे, उनका जो गोल है वो क्या है, टू एलिमिनेट इंडिजिनियस केसेस थ्रू आउट द कंट्री बाय 2030, बाय 2026 इंसिडेंट्स ऑफ मलेरिया टू बी रिड्यूस लेस देन 1 case per 1000 population इन ऑल स्टेट इन देयर डिस्ट्रिक्ट। बाद में बात करें तो जो कोलेरा वैक्सीन है वो येलो फीवर की वैक्सीन के साथ इंटरफियर करती है, इसलिए एटलीस्ट 8 वीक का गैप तो इन दोनों के बीच में रखना चाहिए। बाद में जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है ठीक है उससे GBS उसकी साइड इफेक्ट है। बाद में आगे बात करें कि थियामिन डेफिशिएंसी, जो केरास्पोक और वर्निक्स एंसेफेलोपैथी है उसमें थियामिन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, वो क्रोनिक अल्कोहलिक में देखने को मिलती है,
तो थियामिन का डेली अलाउंस भी पूछा गया था, मतलब डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। सेडेंटरी वर्क में वो 1.2, मॉडरेट में 1.4 और जो हेवी वर्कर है उसमें 1.7 है। बाद में इनऑर्गेनिक डस्ट और उससे होते डिसीज पूछे गए थे। कोल डस्ट से क्या होता है, एंथ्रेकोसिस, सिलिका से सिलिकोसिस, एस्बेस्टोस से एस्बेस्टोसिस, ठीक है, और आयरन से साइलोरोसिस होता है। जबकि ऑर्गेनिक डस्ट जैसे कि केन फाइबर है तो बागासोसिस होगा, कॉटन डस्ट है तो बाइसोनिस होगा, और ग्रेन डस्ट और हाइन है तो उससे फार्मर्स लंग होगा, वो कॉमनली फार्मर्स में देखने को मिलेगा। बाद में जो पीएसएम के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रखना है। ये मैं कैलकुलेशन के जो कुछ टॉपिक है वो अलग से भी आपको कराऊंगा और एक अलग से लेक्चर लूंगा, अभी आपको उनके जो फॉर्मूला से वो याद रखना है। जो एट्रिब्यूटरी रिस्क है वो आपको कैसे याद रखना है, इंसिडेंट इन एक्सपोज माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन एक्सपोज मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब इसका मतलब जो आंसर आएगा वो उतने परसेंट जो हम रिस्पेक्ट स्मोकिंग है तो वो लंग कार्सिनोमा में एट्रिब्यूट करते हैं। अब रिलेटिव रिस्क क्या है, वो है इंसिडेंस अमंग एक्सपोज अपन इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज, मतलब जो स्मोकर है वो इतने परसेंट ज्यादा रिस्क है लंग कार्सिनोमा के। और बाद में पॉपुलेशन एट्रिब्यूटरी रिस्क, मतलब जो रिस्क फैक्टर है वो पॉपुलेशन में कितने परसेंट एट्रिब्यूट करता है लंग कार्सिनोमा में, ये आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। उसमें इंसिडेंट इन टोटल माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन टोटल टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ओड्स रेशियो है उसमें आपको क्रॉस करना है एडी डिवाइडेड बाय बीसी। ये आपको मैं कैलकुलेट करके नेक्स्ट लेक्चर में या कभी और आपको पहले बता दूंगा, ठीक है। बाद में लाइफ एक्सपेक्टेशन इंडेक्स है उसमें क्या है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। स्टैंडर्ड मोर्टालिटी रेशियो है उसमें ऑब्जर्व डेथ डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डेथ मल्टीप्लाई बाय 100। सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी है ट्रू पॉजिटिव वैल्यू, मतलब जो आपने टेस्ट किया है उसमें जो पॉजिटिव आया है उसमें ट्रूली कितने लोगों को ये टेस्ट पॉजिटिव है उसे सेंसिटिविटी, और ट्रूली अगर टेस्ट नेगेटिव आया है तो कितने लोगों को टेस्ट नेगेटिव है उसे स्पेसिफिसिटी कहते हैं। तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव, और स्पेसिफिसिटी की बात करें ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। अब इन्फेंट मोर्टालिटी क्या है, नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स लेस देन वन ईयर ऑफ चाइल्ड अपन लाइव बर्थ मल्टीप्लाई बाय 1000, यहाँ पे आपको याद रखना है रेट है इसलिए यहाँ पे 1000 आएगा। डिपेंडेंसी रेशियो मतलब डिपेंडेंसी पॉपुलेशन कौन सी, 0 to 14 ईयर और अबव 65 ईयर डिवाइडेड बाई 15 to 64 ईयर मल्टीप्लाई बाई 100। बाद में बात करें तो सेकेंडरी अटैक रेट क्या है, तो सेकेंडरी अटैक रेट मतलब नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन डेवलपिंग द डिसीज विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, अगर आपको डिसीज हुआ है तो आपके इंक्यूबेशन पीरियड के ड्यूरेशन में कितने और लोगों को आपसे वो डिसीज हुआ है उसे सेकेंडरी अटैक रेट कहेंगे डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज और 100, ठीक है। बाद में अगर आपको लाइव बर्थ पूछा जाएगा किसे गांव या विलेज, मतलब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लाइव बर्थ, तो उसका बर्थ रेट और पॉपुलेशन दिया गया होगा उसके ऊपर से आप लाइव बर्थ निकाल सकेंगे। बाद में उसमें से कितनी प्रेगनेंसी आपको, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कितनी होगी, तो जो लाइव बर्थ है उसमें 10% करेक्शन आप डालेंगे तो हो जाएगा और उससे हाफ है वो रजिस्टर होगी। पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि डिसीज एज अ मैन एज अ इंसिडेंशियल होस्ट विथ पीक मॉस्किटो और पीक, ये साइकिल किसमें फॉलो होती है, तो उसका आंसर आएगा जापानीज इंसेफेलाइटिस। अब डिसइंफेक्ट, आयोडीन किस लिए, वाटर और स्किन के लिए यूज होता है, जबकि ब्लीचिंग पाउडर वाटर फिशिस और यूरिन में यूज होता है। रूबेला के फीचर पूछे गए थे, तो रूबेला में जो रेस है वो विद इन 24 आवर ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स आपको दिखने को मिलता है। उनका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 3 weeks मतलब 14 days to 21 days है। उसमें पोस्ट ओरिकुलर लिम्फ नोड एनलार्ज देखने को मिलता है। अगर आपको ये 3 साइन और सिम्टम्स आपको क्वेश्चन में दिए गए तो उसका आंसर क्या है, रूबेला है। अब आगे बढ़े तो मिलेनियम डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, मटर्नल मोर्टालिटी, अंडर 5 मोर्टालिटी और मलेरिया डेथ रेट पर 1 lakh चिल्ड्रन, 0 to 4 ईयर चिल्ड्रन है तो इसमें मलेरिया डेथ देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब ये मिलेनियम डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है। बाद में बात करें कि इंपॉर्टेंट टेस्ट टू एसेस द प्रीवेलेंस ऑफ टीबी इन कम्युनिटी, तो उसके लिए आंसर आएगा ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट। मैं आपको बता दूं अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारी चैनल के मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। आप चैनल के पेज पे जाएंगे तो वहां पे ज्वाइन का एक ऑप्शन दिया गया होगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में मैं आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अब आगे बाद में बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस इन एचआईवी, तो इसमें क्या पूछा गया था कि
एचआईवी पेशेंट है उसमें टीबी के कौन कौन से चीजें आपको देखने के मिलते हैं एक्सेप्ट, ऐसा पूछा गया था क्वेश्चन। तो ए पीवाईक्यू है, तो मोर फ्रीक्वेंट नेगेटिव स्पूटम स्मीयर ये देखने को मिलता है, फॉल्स नेगेटिव ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट देखने को मिलता है, और मोर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी देखने को मिलता है, परंतु तो उसमें कैविटी लीजन्स ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर ए आएगा, ठीक है। बाद में जो डिपेंडेंस, जो आपको अगर कोई ड्रग एब्यूज कर रहा है तो सब्सटेंस में नो डिपेंडेंस, मतलब उसमें डिपेंडेंस नहीं हो जाएगा, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, तो उसमें आएगा एलएसडी। बाद में बात करें तो डी प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मेडिसिन वाइडली सीन इन, मतलब इसमें ज्यादा डी प्रोफेशनलाइजेशन देखने को मिलती है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में। बाद में बात करें तो स्क्रीनिंग टेस्ट, आइडियल स्क्रीनिंग टेस्ट कैसा होता है, तो वो हेल्थी पीपल पर किया जा सकता है, लेस एक्यूरेट, लेस एक्सपेंसिव, अप्लाई टू ग्रुप बेस्ड ऑन वन क्राइटेरिया और कट ऑफ पॉइंट, द रिजल्ट आर ऑब्लिटरी एंड फाइनल, नोट ऑफ बेसिक ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब उससे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करना जरूरी है। द इनिशिएटिव कम फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी प्रोवाइडिंग केयर, तो ये चीजें है तो उसके स्क्रीनिंग टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक है। एक क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा कि एक्सेप्ट, तो उसमें आपको एक रूल आउट करना पड़ेगा। बाद में बात करें तो WHO की रिकमेंडेशन है कि ART कब हमें स्टार्ट करनी है HIV पेशेंट में, जब CD4 काउंट लेस देन 350 है, तब टाइफॉइड में केमो प्रोफाइलेक्सिस है वो इंडिकेटेड नहीं है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इंडिकेट्स केमो प्रोफाइलेक्सिस एक्सेप्ट, तो उसमें आंसर आएगा टाइफॉइड। चेंडलर्स इंडेक्स उपमन इन्फेक्शन के लिए देखा जा सकता है, इन पॉसिबिलिटी ट्रीटमेंट एडिक्योर इवन इफ 6 मंथ डोज कंप्लीटेड विद इन 9 मंथ, अगर पॉसिबिलिटी लेप्रसी हुआ है तो उसमें 9 मंथ में अगर 6 मंथ की ट्रीटमेंट कंप्लीट की गई है तो भी उसे ट्रीटमेंट कंप्लीट मानी जाएगी। बाद में बात करें तो किल्ड बार्टेला प्रोड्यूसेस इनहांस DPT एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा एंडोटॉक्सिन ऑफ बार्टेला ऑर्गेनिज्म। बाद में बात करें करियर ऑफ एंटी वायरोलेंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड स्यूडो करियर, एंटी वायरोलेंट ऑर्गेनिज्म है उसका कोई करियर है तो उसे स्यूडो करियर आप कह सकते हैं। बाद में आगे बात करें तो केसन्स डिसीज, केसन्स डिसीज किसमें देखने मिलता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर जो सी लेवल पर काम करते हैं अंडर सी, उसमें केसन्स डिसीज देखने को मिलता है। और ब्रेस्ट फीडिंग टू बी इनिशिएट टू इन्फर्ट विया नॉर्मल डिलीवरी, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर आपको बेबी को स्टार्ट कर देना है, वही आइडियल टाइम है। तो एग्रीमेंट यस और नो बिटवीन टू ऑब्जर्वर स्टैटिकली मेजर बाय कापा एफिशिएंट को एफिशिएंट, ये आपको याद रखना है, ये सब वन लाइनर है आपको वो याद रखना है और काफी बार रिपीट होते हैं। सुरक्षा क्लिनिक किसके लिए है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, अगर थ्रोट स्वैब पॉजिटिव है तो उसे टेस्ट पॉजिटिव माना जाएगा, और स्किक टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो उसमें इम्यूनिटी नहीं है और वो पेशेंट डिसीज के लिए ससेप्टेबल है, और नेगेटिव है तो वो इम्यून है और ससेप्टेबल नहीं है। बाद में स्यूडो पॉजिटिव भी आ सकता है, सब्जेक्ट इज इम्यून बाय हाइपर सेंसिटिव टू टॉक्सिन, उसमें स्यूडो पॉजिटिव देखने को मिलता है। मैं इजीली एक्सप्लेन करते हैं, थ्रोट स्वैब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, जो स्किक टेस्ट है वो पॉजिटिव है तो ससेप्टेबल, नेगेटिव है तो नॉट ससेप्टेबल। अब आगे बढ़े तो हम कुछ जो वैल्यू दी गई है वो आपको याद रखनी है, प्रोटीन ऑफ सोयाबीन है तो मीट से ज्यादा होता है, फैट ऑफ सोयाबीन भी फिश और एग से ज्यादा होता है, 100 ग्राम बनाना कैलोरी है वो 100 ग्राम फिश जितनी ही होती है, और बंगाल ग्राम का प्रोटीन भी एग से ज्यादा होता है। अब देखिए नियोनेटल टिटानस, नियोनेटल टिटानस की बात करें तो जो इंसिडेंस रेट है वो लेस देन 0.1 पर 1000 बर्थ, 2 डोज ऑफ टीटी वैक्सीन कवरेज मोर देन 90, अटेंडेड डिलीवरी मोर देन 75, मतलब जो ANC में टीटी दिया जाता है वो 90% कवरेज को है वो कवर करता है, और इंसिडेंस रेट लेस देन 0.1 पर 1000 पर अभी नियोनेटल टिटानस का चल रहा है। आगे बढ़े तो स्टैटिस्टिकली प्रोबेबिलिटी, मतलब जेड स्कोर किस में एप्लीकेबल है, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जेड स्कोर एप्लीकेबल है। फिर जो सोडियम फ्लोराइड है वो स्टमक पॉइजन है, और ऑर्गेनोक्लोराइड कंपाउंड है उसमें डेल्ड्रिन देखने को मिलता है, ओपी कंपाउंड में टेमेफोस, और कार्बोमेट में प्रोपोक्सर देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ये आपको सिर्फ याद रखना है। बाद में मॉडर्न सीओएस ट्रीटमेंट की बात करते हैं, एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, पहले है सीओएस वो स्क्रीनिंग के लिए जाएगी, बाद में ग्रिड चैम्बर में जाएगी उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट कहेंगे, बाद में जो है प्राइमरी सेंटीमेंटल टैंक में जाएगा और उससे स्लज डिजास्टर में जाएगा, और स्लज है वो ड्राइंग बेड में कन्वर्ट हो जाएगा और मीथेन गैस भी वो
अलग हो जाएगा। बाद में जो प्राइमरी सेंटिमेंटल ट्रैक है उसमें से कुछ पार्ट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए जाएगा और वो फाइनली सेंटिमेंटल ट्रैक में जाएगा और आखिर में सब स्लज डिजास्टर में आ जाएंगे और मीथेन गैस उसमें से अलग पड़ेगा। बाद में बात करें कि मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर फॉर इन्वायरमेंटल आयन डेफिशिएंसी तो वो आएगा नियोनेटल हाइपोथायरायडिज्म इन एपिडेमिक यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रेशन आंसर आएगा। अब ईएसआई एक्ट की बात करें तो ईएसआई एक्ट के अकॉर्डिंग एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट किसमें मिलता है तो टीबी लेप्रोसी और क्रोनिक एम्फाइमा ये तीन डिसीज है उसमें एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट देखने को मिलता है। बाद में एंटी मलेरिया मंथ की बात करें तो जून में किया जाता है, अभी जून चल रहा है ठीक है, प्री मानसून मानसून से पहले फॉर अवेयरनेस अगेंस्ट मलेरिया। बाद में बात करें 50 टाइम्स मोर एंटीजेनिक डोज टू रिक्वायर टू इंड्यूस आईजीजी एंटीबॉडी एज अगेंस्ट इंडक्शन ऑफ आईजीएम। अगर कोई एंटीजन है वो आपकी बॉडी में एंट्री की तो उसका जब आईजीएम एंटीबॉडी डेवलप होगा तब से आईजीजी एंटीबॉडी डेवलप होगा तो एंटीजन का डोज 50 टाइम्स मोर लगेगा। जो प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट है वो कैसे पता चलेगा, डिसीज प्रीवेलेंस सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट। बाद में जो एनसीडी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनसीडी का गोल क्या है 2025 का, प्री मैच्योर जो मोर्टालिटी है वो लेस 25% से कम करनी है, अल्कोहल है और जो फिजिकल एक्टिविटी है मतलब फिजिकल एक्टिविटी लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है वो 10% से ज्यादा कम करनी है, सोल्ट और सोडियम इंटेक और तंबाकू यूज है लेस देन 30% करना है, हाउस होल्ड सॉलिड फ्यूल का यूज लेस देन 50% करना है और 80% अफोर्डेबल टेक इन फैसिलिटी होनी चाहिए, ये गोल है एनसीडी का ठीक है। बाद में बात करें तो होल्ड ओवर टाइम ऑफ वैक्सीन इन्फ्लुएंस बाय मतलब जो वैक्सीन कब तक हम होल्ड कर सकते हैं उनका टाइम कैसे इफेक्ट होता है तो जो एम्बिएंट टेम्परेचर है ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग द लीड एंड यूज ऑफ बास्केट, क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन एंड कंडीशन ऑफ आइसपैक लाइनिंग ये सब हमें देखने को मिलता है। मोस्ट स्पेसिफिक पॉजिटिव एजेंट फॉर रेबीज, रेबीज का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट क्या है तो है लाइसोवायरस सीरोटाइप 1, जबकि टाइप 2, टाइप 3 और 4 रेबीज रिलेटेड है बट एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट दे कॉज रेबीज लाइक डिजीज इन मैन एंड एनिमल। कॉमन सीरोटाइप 1 है पर 2, 3 और 4 है वो रेबीज लाइक डिजीज करते हैं। बाद में आगे बढ़े तो एलिमेशन को सीखते हैं, एलिमेशन इज डिफाइंड एज लिम्फेटिक फिलेरियासिस ceases to be public health problem when the number of microfilaria is less than 1% and the children born after initiation of ELF मतलब elimination are free from circulating antigen। इसे elimination की definition है वो आपको पढ़ लेनी है। बाद में जो मलेरिया के गोल दिए गए थे वो हम यहाँ पे देखते हैं, जो मलेरिया के गोल थे उसमें क्या था, reduce malaria mortality rate globally compared to with 2015 तो उसके mortality कितनी कम करनी है 40% by 2020 75% by 2025 और 90% by 2030। रिड्यूस मलेरिया केस मतलब जो नए केस आते हैं इंसिडेंस उसे 2015 की कंपेयर में कितना कम करना है तो वो भी सेम है ठीक है। बाद में बात करें कि एलिमिनेट मलेरिया फ्रॉम कंट्री तो 10 कंट्री में से 2020 तक, 20 कंट्री में से 2025 तक और 35 कंट्री में से 2030 तक हमें मलेरिया एलिमिनेट करना है। बाद में बात करें कि माल न्यूट्रिशन चाइल्ड है उसे आंगनवाड़ी वर्कर विजिट करती है तो वो कब करती है तो वंस अ वीक फॉर फर्स्ट मंथ देन वंस फॉर्टनेटली मतलब 15 दिनों में एक बार विजिट करती है। बाद में हेपेटाइटिस बी की साइट पूछी जा सकती है तो हेपेटाइटिस बी की जो साइट है वो मोर देन 2 ईयर के कोई चाइल्ड है तो उसमें डेल्टोइड पे दिया जा सकता है और एडल्ट में भी डेल्टोइड पे देते हैं, जबकि लेस देन 2 ईयर का कोई चाइल्ड है तो उसमें एंटीओलेटरल थाई पर हम उसे एडमिनिस्टर करेंगे ठीक है। बाद में जो स्पेसिफिक गोल है 2025 तक वो आपको याद रखना जरूरी है तो अंडर 5 मोर्टेलिटी ड्यू टू न्यूमोनिया कितना कम करना है 3 per 1000, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम डायरिया वो कितना कम करना है 1 per 1000। बाद में जो सीवियर न्यूमोनिया और सीवियर डायरिया है उसके 75% इंसिडेंट हमें कम करने हैं, रिड्यूस ग्लोबल नंबर ऑफ अंडर 5 ईयर स्टंटेड बाय 40%। स्टंटेड मतलब क्या, जो वेट पर हाइट है तो वो हमें 40% तक कम करने हैं ऑल आर कंपेयर टू 2010। पीएसएम में ऐसे ही स्पेसिफिक गोल पूछे जा सकते हैं और आज तक पूछे गए हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब मैग्नीशियम टाइप क्वेश्चन था तो 25 ग्राम है वो मैग्नीशियम बॉडी में होता है, बोन में होता है, उसका काम क्या है कैल्शियम और पोटेशियम को मेटाबोलाइज करना और हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो क्या है 340 mg/day। बाद में जैव विज्ञान प्रोग्राम, जैव विज्ञान प्रोग्राम क्या है तो जैव विज्ञान प्रोग्राम में क्या होता है टू स्टडी एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट, एस्टैब्लिश रजिस्टर फॉर रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिसीज, वैक्सीन डेवलपमेंट फॉर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन
और कंडक्ट इन एडवांस स्टडीज ऑन पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिसीज। जय विज्ञान प्रोग्राम है वो रूमेटिक हार्ट डिसीज और रूमेटिक फीवर के लिए है। उसमें जो स्ट्रेप्टोकोकस के जो शोर थ्रोट है उसे सैंपल लेना है और उसका एग्जामिनेशन करना, उसके लिए वैक्सीन डेवलप करना और एडवांस स्टडी डेवलप करना वो उसका गोल है। सिलिकोसिस है वो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी एंड मोर्टैलिटी है। बाद में जो मम्स वैक्सीन है वो मम्स वैक्सीन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में उसके कौन कौन से टाइप है तो टेरिलिन, एल जेग्रेप, RIB 4385 एंड यूरेप। तो ये सब है सीरोटाइप वो मम्स वैक्सीन के नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हम यूज करते हैं। अभी भी कई सारा कंटेंट बचा हुआ है, वो कंटेंट मैं कल कवर करूंगा पार्ट टू में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए। थैंक यू सो मच। दिया था कि नूली पेरिस में सर्विस की जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो उसमें आएगा कोनिकल विथ अ राउंड एक्सटर्नल वॉल। और जो पेरस है मतलब इसने पहले कंसीव किया हुआ है उसमें सिलिंड्रिकल शेप देखने को मिलेगा। बाद में बात करें कि नॉर्मल रेट ऑफ डायलेटेशन मतलब जो एक्टिव फेज होता है प्राइमाग्रेविटा और मल्टीग्रेविटा में उसका जो डायलेटेशन का रेट क्या होता है, तो बात करें कि एक्टिव स्टेज मतलब 3 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन, तो उसका जो रेट है वो प्राइमाग्रेविटा में 1 सेंटीमीटर पर ओवर और मल्टीग्रेविटा में 1.5 सेंटीमीटर पर ओवर होता है। और अगर आपको फेटल एनीमिया, फेटल एनीमिया कैसे डायग्नोसिस करते हैं, तो उसके लिए हमें सीरियल डॉपलर ऑफ मिडल सेरेब्रल आर्टरी करना है। उसमें जो पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी होती है उससे हम फेटल एनीमिया एसेस कर सकते हैं। अगर पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी है वो मोर देन 1.5 टाइम्स होगी तो उसे सीवियर फेटल एनीमिया हम कहेंगे। अब आगे बढ़े तो हीमोलाइसिस प्रोसेस है उसकी जो डिग्री हमें तय करनी है वो कैसे, तो उसके लिए लिली स्टार यूज होगा। बात करें तो RH इम्यूनाइजेशन, RH इम्यूनाइजेशन का इंडिकेट उसमें इनडायरेक्ट कॉन्टेस्ट पॉजिटिव, डायरेक्ट कॉन्टेस्ट पॉजिटिव और बेबी को एनीमिया होने का चांस इंक्रीज हो जाता है। बाद में जो आइडियल वेट गेन की बात करें कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में आइडियल वेट गेन क्या है, अगर हेल्थी वुमन है तो 11 kg, नॉर्मल BMI है तो 11 to 16 kg वेट गेन आइडियल माना जाता है। अगर कोई फीमेल है और ओबेस है मतलब कि BMI मोर देन 30 है तो उसमें वेट गेन 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अंडरवेट की बात करें BMI लेस देन 19 तो वेट गेन 18 kg तक आइडियल माना जाता है। अब कोलेस्ट्रॉम और ब्रेस्ट मिल्क उसमें डिफरेंस पूछा गया था, तो उसकी बात करें तो कोलेस्ट्रॉम में हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रोटीन, विटामिन ए, सोडियम क्लोराइड, IgA, कॉम्प्लीमेंट्स, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट और लेक्टोफेरिन ये सब ज़्यादा होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट, फैट और पोटेशियम ये 3 चीज़ें कम होती है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, खासकर तो जो क्या कम होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और पोटेशियम ये याद रखना है, तो कोलेस्ट्रॉम और ब्रेस्ट मिल्क के डिफरेंस में आपको ये देखना है। बाद में बात करें तो मिक्स सिंड्रोम क्या है, तो उसमें असाइटिस प्लस राइट साइड हाइड्रोथोरिक्स प्लस फाइब्रोमा ओवरी, ब्रेनर थेकोमा और ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर, मतलब ओवरी का कोई ट्यूमर है साथ में हाइड्रोथोरिक्स है राइट साइड और असाइटिस है तो उसे मिक्स सिंड्रोम कहेंगे। बाद में अगर आपको बेस्ट EDD देखनी है मतलब कि EDD की जो एक्यूरेट डेट है USG की वजह से, USG के जो आप फाइंडिंग में एक्यूरेट EDD आएगी वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको मिलेगी। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी है उसमें जो यूरेटर है वो कब लाइगेशन होता है तो वो डिवीजन और लाइगेशन ऑफ राउंड लिगामेंट, मतलब कि राउंड लिगामेंट का जब आप लाइगेशन और डिवीजन करेंगे साथ ही में आप यूरेटर को भी लाइगेट करेंगे, ठीक है। बाद में सक्सेसफुल ब्रिज कैसे कहते हैं, तो कंप्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन होना चाहिए, नॉन एंगेज होना चाहिए, सेक्रो एंटीरियर पोजीशन मतलब कि फेटल बैक हो वो एंटीरियर होना चाहिए, एडिक्यू लिक्वर होना चाहिए और पेशेंट नॉन ओबेस होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें प्रेजेंट है तो उसे हम सक्सेसफुल ब्रिज कहेंगे। आगे बढ़े तो जो नॉर्मल स्टेप्स ऑफ लेबर है जो प्रोसेस है वो पूछा गया, तो पहले एंगेजमेंट होगा, बाद में डिसेंट होगा, बाद में हेड फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन और क्राउनिंग होगा, बाद में हेड की डिलीवरी होगी, रिसस्टिट्यूशन और एक्सटर्नल रोटेशन होगा, और आखिर में शोल्डर की डिलीवरी और डिलीवरी ऑफ ट्रंक बाय लेटरल फ्लेक्शन, ये स्टेप आपको याद रखना है। और बात करें रिंग पेस्ट, अगर यूट्राइन प्रोडक्ट्स है तो आप रिंग पेस्ट्री को आप कब यूज करेंगे, तो अर्ली प्रेगनेंसी में यूट्राइन प्रोडक्ट्स है अप टू 18 वीक, पर प्यूरियम में है, पेशेंट को सर्जरी की अनविलिंगनेस है उसे सर्जरी नहीं करा है या तो सर्जरी के लिए अनफिट है तो उसमें हम ये यूज करेंगे। बाद में बात करें तो उसका बेनिफिट क्या है, तो जो वॉइडिंग सिम्टोम्स है यूट्राइन प्रोलैप्स की वजह से वॉइडिंग सिम्टोम्स है वो रिंग प्रेसरी की वजह से इम्प्रूव हो जाएगा। बाद में आगे जाए तो
अगर आपको सर्विक्स कार्सिनोमा की स्टेजिंग करनी है तो उसमें यूएसजी रिक्वायर नहीं है। एक चीज याद रखनी है, यूएसजी रिक्वायर नहीं है। और हाइपरमिमेसिस ग्रेविडम मतलब कि जो वोमिटिंग होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सेसिव वोमिटिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, एससीजी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की एक्सेसिव वैल्यू की वजह से ये वोमिटिंग होती है। बाद में आगे बढ़े तो फीमेल स्टरलाइजेशन का टॉपिक दिया है, उसका आइडियल टाइम पूछा गया है। तो इंटरनलाइजेशन है वो प्रोलिफेरेटिव फेज में किया जाता है। बाद में अगर ओवेरियन और पेरिटोनियम कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर है तो साल्पिंजेक्टोमी भी साथ में की जाती है, एमटीके के साथ भी कर सकते हैं, और आफ्टर डिलीवरी आप 24 to 48 hours तक कर सकते हैं। बाद में न्यूली मैरिड कपल है कपल, उसमें अगर लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन पूछा जाए तो नेक्सोप्लेनोन आएगा, ठीक है, जो कि इम्प्लांट है तो ये इम्प्लांट यूज होगा। आइडियली उसमें ओसीपिल से वो यूज होती है न्यूली मैरिड कपल में। ओसीपिल का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एब्सुलेट और रिलेटिव। तो एब्सुलेट कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या आएगा, आर्टेरियल और वेनस थ्रोम्बोसिस, सीवियर हाइपरटेंशन, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, डायबिटीज मेलिटस विद वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। अगर अकेला डायबिटीज आएगा तो रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आएगा। माइग्रेन विद फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, एक्टिव लिवर डिजीज, लिवर एडिनोमा, कार्सिनोमा, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, मेजर सर्जरी और प्रोलंग इमोबिलाइजेशन, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट नियोक्लाइडोम मतलब कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा। अगर रिलेटिव की बात करें तो मोर देन 40 एज, स्मोकर लेस देन 35 ईयर, हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस, माइल्ड हाइपरटेंशन, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल इज द ड्रग ऑफ चॉइस। गॉल ब्लैडर, सर्वाइकल कार्सिनोमा या तो CIN, हेडेक, ये सब है वो रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। बाकी के सब है आप पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है। अगर कोई फीमेल है वो एक्सटेंडेड कंटिन्यूस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल पे है, मतलब वो कंटिन्यूस बिना ब्रेक के कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे रहे, तो उसमें एक ईयर में 4 times विथड्रॉ ब्लीडिंग होगी। बाद में बात करें इंट्राहेपेटिक कोलेसिस्टेसिस इन प्रेगनेंसी की बात करें तो 28 weeks के बाद देखने को मिलता है, क्योंकि एक्सेस सर्कुलेटरी एस्ट्रोजन की वजह से। उसमें सिम्टोम में प्रूराइटिस देखने को मिलता है, AST, ALP और ALT इंक्रीज हो जाता है। बिलीरुबिन 5 mg से बहुत ही रेयरली ज़्यादा होता है, मतलब विदिन 5 mg उसकी लिमिट होती है, और डिलीवरी के बाद 2 weeks में वो सबसाइड हो जाएगा, और उसमें ओसीपिल आपको नहीं देगी। बाद में ट्रीटमेंट में आप यूडीलिव दे सकते हैं, वो बाइल एक्सेशन इंक्रीज करेगा और इसका रिकरेंस रेट है वो हाई है। इतना आपको इंट्रा हेपेटिक कोलेसिस्टोसिस इन प्रेगनेंसी में याद रखना है। बाद में बात करें तो जो यूट्रन प्रोलेप्स की ट्रीटमेंट दी, तो रिंग प्रेसरी है वो हम प्रेगनेंसी में यूज करेंगे। सीरोथ्रस रिंग है तो वो जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल है जिसको अभी भी चाइल्ड बियरिंग करनी है, दे वॉन्ट चाइल्ड इन फ्यूचर। और फोर्थ ग्रेड रिपेयर की बात करें तो उसमें सर्वाइकल इम्प्यूटेशन किया जाता है और प्लाइकेशन ऑफ कार्डिनल लिगामेंट किया जाता है। जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल है उसमें यूट्रो सर्वाइकल लिगामेंट मोर देन 12 cm है और उसे फ्यूचर चाइल्ड बिल्डिंग नहीं करनी है, उसके लिए फोर्थ ग्रेड यूज किया जाता है। वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी प्लस पेल्विक फ्लोर रिपोर्ट की, इसमें पेल्विक फ्लोर रिपेयर, मेनोपॉज, 3rd degree प्रोलैप्स, साथ में सिस्टोसिलो रेक्टोसिलो तो ये किया जाता है। लेफ्ट कोल्पोक्लेसिस है वो पोस्ट मेनोपॉजल विद कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ सर्जरी हो उसमें किया जाता है। वेंट्रो सस्पेंशन ऑफ यूट्रस सब किया जाता है, तो रिट्रो वर्जन ऑफ यूट्रस हो गया है तब आप वेंट्रो सस्पेंशन करेंगे। बाद में यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि आप सिस्टोसिल और गार्डनर सील को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जो गार्डनर सील है वो रिड्यूसेबल नहीं है जबकि सिस्टोसिल रिड्यूसेबल है। बाद में अगर फाइब्रॉइड है और उसकी ट्रीटमेंट में आप एंडोमेट्रियल एब्लेशन और रिसेक्शन करना चाहते हो तो उनकी इंडिकेशन क्या है, तो अगर मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गया है, वुमन डू नॉट विश टू प्रिजर्व मेंस्ट्रुअल और रिप्रोडक्टिव फंक्शन, यूट्रस साइज है और मोर देन 10 weeks नहीं होना चाहिए, स्मॉल यूट्राइन फाइबर है, और वुमन हु वांट्स टू अवॉइड लॉन्गर मेंस्ट्रुएशन पीरियड, वुमन हु प्रिफर प्रिजर्व हर यूट्रस, तो ये सब चीजें हैं वो उनके इंडिकेशन है। किसी को वजाइनल फिस्टुला उसमें दो टाइप होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड। अगर साइज लेस देन 3 cm है तो सिंपल, मोर देन 3 cm कॉम्प्लिकेटेड। लोकेशन सिंपल में हाई वजाइनल, कॉम्प्लिकेटेड में मिड वजाइनल, ब्लेडर इन्वॉल्वमेंट सुप्रा ट्राइगोनल ट्राइगोनल एरिया, ठीक है। मेलिग्नेंसी है वो सिंपल में नहीं होती, रेडिएशन का भी कोई हिस्ट्री नहीं होता, वजाइनल लेंथ भी नॉर्मल होती है और रिजल्ट बेटर है, जबकि इसमें मेलिग्नेंसी, रेडिएशन, वजाइनल लेंथ शॉर्टेंड और पुअर आउटकम। अब आगे बात करें तो सेकेंडरी लेबर अरेस्ट यहाँ पे सेकेंडरी है, ठीक है। तो सेकेंडरी लेबर अरेस्ट कब, जब प्योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता हो या तो केसेशन ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन, मतलब स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है तो भी सर्वाइकल डायलेटेशन नहीं बढ़ रहा है, वो किसमें डिस्प्रोपोर्शनल स्पीड होता है, तब माल प्रेजेंटेशन होता है। तो बाद में जो क्वेश्चन आया था वो था ऑब्स्ट्रक्टिव एनल स्फिंक्टर इंजरी, मतलब जब हम एपी देते हैं तब जो एनल स्फिंक्टर इंजरी होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन था। तो फर्स्ट डिग्री है मतलब मात्र पेरिनियल स्किन ही इन्वॉल्व है, सेकंड डिग्री में पेरिनियल स्किन प्लस मस्क और स्फिंक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि थर्ड डिग्री है तो 3 mm लेस देन 50% ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर,
थ्री बी में मोर देन 50% ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और थ्री सी में बोथ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एंड इंटरनल एनल स्फिंक्टर, जबकि फोर्थ डिग्री में जो एपिथेलियम है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जबकि बाद में है वो लाइव वैक्सीन, तो लाइव वैक्सीन के लिए आपको ये याद रखना है बॉय लव द क्राइम, तो बॉय लव द क्राइम बी बी सी जी ओ पी वी येलो फीवर लव मीन्स लाइव वैक्सीन, थर्ड टाइफॉइड चिकन पॉक्स रूबेला इन्फ्लुएंजा बी मीजल्स और एपिडेमिक टाइफस, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ये ठीक से देख लीजिए और अपनी बुक में लिख लीजिए। बाद में आगे बढ़े तो जो नॉर्मल चेंजेस ग्लूकोज में देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी, तो फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया दिखता है, पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया दिखता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी डिक्रीज होते जाती है और ग्लूकागन नॉर्मल रहता है, ये आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन था पीवाईक्यू में कि हाइपर प्रोलेक्टिनिया के बारे में, तो उसमें क्या होता है प्रोलेक्टिन लेवल इंक्रीज होता है, अगर प्रोलेक्टिन लेवल इंक्रीज होगा उसकी इनहिबिटरी इफेक्ट जीएनआरएच पर होगी और जीएनआरएच का जो पल्स सिक्रेशन है वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से हाइपर गोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म और ओलिगोमेनोरिया होगा, क्योंकि जो जो अपने सेक्सुअल हार्मोन है वो भी कम हो जाएंगे जो जीएनआरएच पर डिपेंडेंट है। बाद में बात करें तो ट्यूमर मार्कर प्लेसेंटल साइट ट्रोपोप्लास्टी ट्यूमर का मार्कर कौन सा है, तो उसमें जो एससीजी है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। बाद में बात करें तो कोल्ड प्रोलेप्स का मैनेजमेंट, कोल्ड प्रोलेप्स का मैनेजमेंट बार बार पूछा जा सकता है बरोबर, और पूछा गया है और इस साल भी पूछा जा सकता है, उसमें आपको क्या करना है पहले तो ब्लेडर फिलिंग करनी है, उसकी वजह से जो कोल्ड का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो लिफ्ट हो जाएगा, इसलिए आपको पोलिस कैथेटर डालना है और 400 से 750 ml जितना एनएस उसमें डालना है, जिसकी वजह से ब्लेडर फिल होगा और जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो लिफ्ट हो जाएगा। बाद में अगर सीएस करने की जरूरत पड़े तो उससे पहले आपको ब्लेडर को एम्प्टी करना है, और कोल्ड प्रोलेप्स हुआ तो उसमें प्रिफरेबल सी सेक्शन किया जा सकता है, बाद में आपको सिम्स पोजीशन मतलब कि नीचे पोजीशन देनी है और आपको जो कोल्ड है वो वजाइना में रिलैप्स करना है, ठीक है। बाद में आगे देखें तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में कौन से डिसीज में ओव्यूलेशन फंक्शन एबनॉर्मल होते हैं, तो एक जो पीसीओडी है उसमें ही ओव्यूलेशन फंक्शन एबनॉर्मल होते हैं, बाकी जो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है उसमें ओव्यूलेशन फंक्शन नॉर्मल ही रहते हैं। बाद में क्वेश्चन था पीएमएस के बारे में, तो पीएमएस की ट्रीटमेंट में क्या क्या यूज होगा उसके बारे में यूज था, तो ओसिपिल्स डायुरेटिक्स, बाद में अगर फैमिली फुलफिल हो गई है कंप्लीट हो गई है तो आप हिस्टेरेक्टोमी और ओफरेक्टोमी का भी ऑप्शन देख सकते हैं, एंजाइनोलैक्टिक एसएसआरआई एसएनआरआई पाइरोडॉक्सिन और रोमोप्रिपिन, ये सब ड्रग है वो प्री मेस्ट्रोल सिंड्रोम, पीएमएस का मतलब होता है प्री मेस्ट्रोल सिंड्रोम, इसमें यूज होगा। बाद में ये बहुत बार पूछा जा सकता है कि फॉलोइंग वजाइनल डिलीवरी यूट्रस बिकम, मतलब यूट्रस वजाइनल डिलीवरी के बाद का लोकेशन पूछा गया है, तो सेकंड वीक पे वो पेल्विक ऑर्गन हो जाएगा और सिक्स वीक पे वो अपने नॉर्मल साइज पे आ जाएगा। बाद में ऐसा पूछा गया था कि रेफरेंस पॉइंट जीरो इन पेल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स क्वालिफिकेशन की जगह क्वान्टिफिकेशन, मतलब कि पोपो इस टेकन एस हाइमन को यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है और उसके जो प्रोलेप्स हुआ है वह हाइमन को रेफरेंस पॉइंट लेके उसे डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। बाद में बात करें कि कब कब अर्ली क्रैम्पिंग इंडिकेशन है, मतलब कि जो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर है उसमें डिले क्लैम्पिंग इंक्लूडेड है, तो वो डिले क्लैम्पिंग हमें नॉर्मल सिचुएशन में करना है पर कब हमें अर्ली क्लैम्पिंग करना है, तो आरएच इनकोपेटिबिलिटी मतलब मदर नेगेटिव है और चाइल्ड पॉजिटिव आरएच पॉजिटिव है, बेबी एस्पेक्सिया में है, अगर बेबी की मदर को डायबिटीज है, तो ये तीन कंडीशन में आपको अर्ली क्लैम्पिंग करनी पड़ेगी। बाद में आगे बात करें तो ड्रोस्पिरिडोन ऐसा पूछा गया था, तो ड्रोस्पिरिडोन क्या है, तो वो फोर्थ जनरेशन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ठीक है, वो स्पाइरोनोलेक्टेंट के एनालॉग है, उसे प्रोजेस्टिन के द्वारा यूज किया जाता है, उसकी इफेक्ट क्या है, तो एंटी एंड्रोजेनिक और एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इसमें क्या होता है रिटेंशन ऑफ पोटेशियम होता है, सो सीकेटिक डिसीज है उसमें ड्रोस्पिरिडोन हम नहीं देख सकते, वो फोर्थ जनरेशन ओसीपिल है, उसकी इफेक्ट एंटी एड्रेनोजेनिक और एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, उसमें पोटेशियम का रिटेंशन होने की वजह से सीकेडी में हम उसे नहीं दे सकते। बाद में बात करें तो जो हम वेंटोस से डिलीवरी कराते हैं उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, हम वेंटोस के यूज से डिलीवरी नहीं करा सकते, तो वोल्टेक्स प्रेजेंटेशन के अलावा कोई और प्रेजेंटेशन हो तो हम वेंटोस यूज नहीं कर सकते, प्रीटम बाद में कोई ओव्यूलेशन डिसऑर्डर हो तो या तो मैक्रोसोमिया का चांस हो तो मतलब कि बेबी 4 किलो से ज्यादा हो तो ये चार कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको याद रखने हैं। बाद में बात करें
अगर ब्रोंकियल अस्थमा है पेशेंट को, तो आप कौन सी ड्रग डिलीवरी के टाइम अवॉइड करेंगे? तो उसमें आएगा ओपियोइड, अर्गोमेट्रियम और कार्बोपोरेट। जो ओपियोइड और अर्गोमेट्रियम है वो क्या करेंगे, तो वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करेंगे, जबकि अर्गोमेट्रियम वेजो कंस्ट्रक्शन भी करता है, इसलिए जो कार्डियक आउटपुट है वो एकदम से ज़्यादा हो जाएगा। तो वो अगर मदर को कोई कार्डियक डिसीज है तो भी ये अवॉइड करना है, बरोबर। और रेडिकल हिस्टेक्टोमी में कौन सी नर्व इंजर होती है, तो पैरा सर्वाइकल नर्व फ्लेक्सर। में जो नेक्स्ट वो था जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हम कब कहेंगे, अगर जो मदर का बीपी है वो 140/90 से ज़्यादा फोर आवर पार्ट ऑन टू ओकेजन आफ्टर 20 वीक। अगर 20 वीक के बाद आपके पास कोई मदर आती है उसका बीपी आपने दो बार लिया फोर ओवर ओवर वो 140 से 90 इससे ज़्यादा आ रहा है, तो उसे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। उसके साथ अगर प्रोटीनूरिया भी है, मतलब आल्ब्यूमिन भी पॉजिटिव आ रहा है, तो उसे हम प्री एक्लेम्पसिया कहेंगे। और उसमें भी अगर सीजर भी है पेशेंट को, कन्वर्जन के एपिसोड आ रहे हैं, सीजर के एपिसोड आ रहे हैं, तो उसे हम एक्लेम्पसिया कहेंगे। बाद में बात करें तो इंट्रायूटराइन प्रेशर है वो 40 से 50 mmHg जितना फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के दौरान ज़्यादा होता है, मतलब बढ़ जाता है, और सेकंड स्टेज में वो 100 से 120 mmHg हो जाता है। बाद में है कि ओवेरियन कैंसर के लिए जो ट्यूमर मार्कर है वो क्या है, तो CA125, पर वो किस किस में इंक्रीज होता है, तो नॉर्मल वुमन है तो 1% नॉर्मल वुमन में भी इंक्रीज देखने को मिलता है। बाद में ब्रेस्ट, लंग, कोलोन और एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा में भी देखने में मिलता है। कभी कभी PID में एंडोमेट्रोसिस, पेरिटोनाइटिस और ओवेरियन कैंसर में तो देखने को मिलता है उसका ट्यूमर मार्कर है। बाद में अगर ओवेरियन रिजर्व है उसका मार्कर पूछा जाए तो एंटी मुलेरियन हॉर्मोन आंसर आएगा। बाद में अगर ब्रो प्रेजेंटेशन है तो CAC करना पड़ेगा आपको, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा जाएगा, तो उसमें CAC आएगा, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी उसमें पॉसिबल नहीं है। बाद में आगे देखें तो कॉन्ट्रासेप्शन ऑप्शन के बारे में दिया गया है, तो जो सेंट्रोमियन है तो सेंट्रोमियन टेबलेट है वो PCOD में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। बाद में बात करें मॉडिफाइड पीस ऑफ स्कोर में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो उसमें आता है सर्वाइकल डायलेटेशन, स्टेशन, एफेसमेंट कंसिस्टेंसी और पोजिशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। तो आपको ऐसा पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द इंक्लूडेड इन मॉडिफाइड पीस ऑफ स्कोर, तो आपको ये याद रखना है। बाद में जो लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरम है तो उसमें पेनलेस जेनाइटल अल्सर होते हैं, सिफिलिस में भी पेनलेस जेनाइटल अल्सर होते हैं, ठीक है। बाद में आगे बढ़े तो स्पर्म विस्कोसिटी पूछी जा सकती है, तो स्पर्म विस्कोसिटी कैसे, अगर less than 3 है स्पर्म विस्कोसिटी, मतलब 0 से 4 है तो वो नॉर्मल वेज होगी, 4 से ज़्यादा है तो उसे एबनॉर्मल कहा जाता है। बाद में जो एंटीनेटल पीरियड है उसमें ब्लड वॉल्यूम है 40 से 50%, 30 से 34 वीक पे बढ़ जाता है। और अगर मदर में इडीमा है और कोई पैथोलॉजिकल कॉज नहीं है तो माइल्ड डिग्री इडीमा देखने को मिल सकता है, उसे फिजियोलॉजिकल इडीमा कहेंगे और वो रेस्ट पे कम हो जाएगा। बाद में जो प्री एक्लेम्पसिया है उसके रिस्क फैक्टर पूछे गए थे, प्री एक्लेम्पसिया के रिस्क फैक्टर की बात करें तो प्राइमरी में ज़्यादा होता है, फैमिली हिस्ट्री अगर है हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्पसिया तो उसमें ज़्यादा होता है, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी है तो ज़्यादा होता है, ओबेसिटी अगर कोई वास्कुलर डिसीज पहले से है, न्यू पेटर्निटी, एप्ला, प्रोटीन CS डेफिशिएंसी फैक्टर, वी लेडन, ये सब में रिस्क फैक्टर है प्री एक्लेम्पसिया के। अगर ये रिस्क फैक्टर अवेलेबल है तो मदर में प्री एक्लेम्पसिया के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बाद में बात करें तो ओव्यूलेशन की, PNC में ओव्यूलेशन कब स्टार्ट हो जाता है, मतलब फिर से उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कब कंटिन्यू हो जाएगी, अगर मदर नॉन लैक्टेटिंग है तो उसे एज अर्ली एज 4 वीक ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा, और लैक्टेटिंग मदर में अराउंड 10 वीक। बाद में बात करें कि GnRH इंडिपेंडेंट प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, तो वो किसमें दिखने को मिलती है, वो मिलती है न्यूक्यूल अल्बर्ट सिंड्रोम में, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। बाद में PID का एक आध क्वेश्चन दिया गया था कि मोनोलियर वजाइनाइटिस, मतलब कैंडिडा वजाइनाइटिस होता है, उसके सिम्टोम आपको पढ़ लेने हैं, मैं इजी में टाइम नहीं वेस्ट करने वाला, जो ट्रिकी क्वेश्चन है वही आपको बताता हूँ। और कौन सी ट्राइसोमी रिकरेंट अबॉर्शन कराती है, 16, 18 और 21। बाद में यूरेटर को आप इंट्रा ऑपरेटिव कैसे रिकग्नाइज करेंगे, अगर आप CS कर रहे हैं या कोई अदर सर्जरी कर रहे हैं तो आपको यूरेटर को रिकग्नाइज करना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे, तो यूरेटर कैसा देखेगा, फिर डिस्ट्रिंग अपीयरेंस होगा, बाद में लॉन्जिट्यूडिनल वेसल होगी, ठीक है, अराउंड, बाद में उसमें पेरिस्टाइसिस देखने को मिलेगा। बाद में बात करें डिलीवरी के दरमियान, मतलब लेबर के दौरान प्लेसेंटा जो सेपरेशन होगा उनके साइन कौन से है, तो पर एब्डोमेन हम क्या देखेंगे, यूटरस है वो ग्लोब्यूलर हो जाएगा, फर्म हो जाएगा और डिलिवरेबल हो जाएगा, जो फंडल हाइट है वो भी स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी और सुप्रा प्यूबिक रीजन में स्लाइट बल्जिंग देखने को मिलेगी।
और पर वजाइनल भी हम देखें तो उसमें थोड़ा सा ब्लीडिंग मतलब स्लाइट गसो वजाइनल ब्लीडिंग होगा और परमानेंट लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड हो जाएगा। बाद में नॉन स्ट्रेस टेस्ट कब से हमें देखने को मिलेगा तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो उसमें आता है FHR और फेटल मूवमेंट और वो हम आफ्टर 28 वीक के बाद देख सकते हैं। और अगर वो रिएक्टिव हुआ मतलब जो हार्ट रेट है वो बढ़ रही है 20 जितनी बढ़ रही है दो बार इन 15 मिनट फॉर 20 सेकंड तो उसे रिएक्टिव एनएसटी टेस्ट कहेंगे और उसमें लो पल्स नेगेटिव और हाई पल्स पॉजिटिव रिजल्ट है। बाद में बात करें तो जो अगले क्वेश्चन बाकी है जो OBGY का अभी भी आधा कंटेंट बाकी है, आधे से ज्यादा कंटेंट बाकी है, वो हम पार्ट टू में इंक्लूड करेंगे। तो पार्ट टू भी देखना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए तो पार्ट टू आए तो आप पहले देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन था कि वैक्सीन का टाइप पूछा गया था, तो जो IMPIP वैक्सीन है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो सब यूनिट वैक्सीन है, जो डिप्थेरिया है वो टॉक्सो टाइप वैक्सीन है, एच इन्फ्लुएंजा है वो पॉलीसेक्रेट टाइप वैक्सीन है और मीजल्स है वो लाइव वैक्सीन है। तो आपको भी बुक पे से लाइव वैक्सीन की वैक्सीन के टाइप भी पढ़ने हैं, परंतु ये चारों तो आपको याद रखने के मोस्ट आईएमपी टाइप है। बाद में बात करें कि जो अगर कोई हीमोफीलिया का पेशेंट है तो उसके लिए अगर आपको स्क्रीनिंग करनी है तो मोस्ट रिलायबल टेस्ट कौन सा है, तो उसके लिए आएगा PTT। बाद में आपको डायरिया के टाइप बुक में से पढ़ने हैं, उसमें आएगा सम डायरिया, माइल्ड डायरिया और सीवियर डायरिया, ये सब टाइप और उसकी ट्रीटमेंट पढ़नी है। लेड पॉइजनिंग होगी उसका जो एंटीडोट है वो कैल्शियम सोडियम एसीटेट है, मिथिलिन ब्लू है उसका एंटीडोट नाइट्रोबेंजीन है। बाद में बात करें तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो कौन सा है, तो पोसी आर्टिकुलर टाइप, ये आपको याद रखना है। बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लीच नोड्यूल्स किसमें देखने को मिलते हैं, तो उसका आंसर आएगा वॉन ड्रेकलिन हाउसन्स डिसीज, तो ये आपको याद रखना है। बाद में जो साम है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ये आपको टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है, पर इसके लिए तीन चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। बायोलेटरल पेडल इडिमा किसमें होगा, ठीक है। बाद में जो वेट पर हाइट है वो लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, और तीसरा कि जो मिड आर्म सर्कमफेरेंस है वो लेस देन 11.5 सेंटीमीटर होगा, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी पूरा टॉपिक आपको टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है। बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एपिडर्मल केरेटो कंजक्टिवाइटिस, तो एक किस टाइप का कंजक्टिवाइटिस, फोलिकुलर टाइप कंजक्टिवाइटिस कॉज्ड बाय एडिनोवायरस टाइप 8-19 कंटेजियस एंड ऑप्टेंट एपिडेमिक, मतलब अगर एक को हुआ तो लार्ज पॉपुलेशन को एक कवर कर सकता है किसी लोकल एरिया में। बाद में बात करें कि कैसा प्रेजेंटेशन दिखने को मिलेगा, तो कंजक्टिवाइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन दिखने को मिलेगा विथ सेंटी डिस्चार्ज, फिर 7 से 10 दिन के बाद पंक्टेड केराटाइटिस और सब एपिथेलियल इन्फ्रेट दिखने को मिलेगा। अगर ये आपको ठीक से नहीं देख रहा है तो बता देता हूँ कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप इज द हाईएस्ट रेट ऑफ ड्राउनिंग ऑब्जर्व, मतलब कि ये नया क्वेश्चन है कि किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा ड्राउनिंग देखने को मिलती है, तो उसमें आएगा 1-4 ईयर। बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपको कुछ जो वर्ड है वो याद रखने हैं कि रीमिशन कैसे कहते हैं, रिलेप्स कैसे कहते हैं, स्टीरोइड डिपेंडेंस कैसे कहते हैं। तो देखिए रीमिशन कैसे कहते हैं, अगर यूरिन आर्ग्यूमेंट नेगेटिव आ गया फॉर 3 कंसेक्यूटिव अर्ली मॉर्निंग, आपको यूरिन आर्ग्यूमेंट चेक करना है 3 अर्ली मॉर्निंग के सैंपल को, वो अगर नेगेटिव आ गया तो उसे रीमिशन कहा जाएगा। बाद में रिलेप्स कैसे कहते हैं, तो यूरिन आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव फॉर 3 कंसेक्यूटिव अर्ली मॉर्निंग एंड वाज इन रीमिशन, अगर पेशेंट में पहले रीमिशन आ गया है बाद में 3 बार यूरिन आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव आया कंसेक्यूटिव मॉर्निंग में तो उसे रिलेप्स कहेंगे। स्टीरॉइड डिपेंडेंस मतलब कि 2 कंसेक्यूटिव रिलेप्स आ गए, ठीक है, व्हेन पेशेंट ऑन अल्टरनेट स्टीरॉइड और विद इन 14 डे ऑफ इट्स डिसकंटिन्यूएशन, हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के लिए स्टीरॉइड देते हैं, अगर वो अपने अल्टरनेट डे फेज में है या तो उसने स्टीरॉइड डिसकंटिन्यू किया, बाद में अगर रिलीफ देखने को मिलेगा तो उसे स्टीरॉइड डिपेंडेंस कहते हैं। स्टीरॉइड रेजिस्टेंस नो रिमिशन डिस्पाइट प्रेडनिसोलोन फॉर 4 वीक, फ्रीक्वेंट रिलेप्स ये याद रखना जरूरी है, 2 or more रिलेप्स इन 6 मंथ और इनफ्रीक्वेंट मतलब 3 or fewer रिलेप्स इन ईयर, ये आपको याद रखना है, फ्रीक्वेंट रिलेप्स और इनफ्रीक्वेंट रिलेप्स ये पहले पूछा गया है। बाद में मलेरिया की बात करें, अगर
रीअपीयरेंस ऑफ एसेक्सुअल पैरासाइट विद इन 28 डे ऑफ ट्रीटमेंट डिफाइंड एज रिक्रूडेंस और लेट ट्रीटमेंट फेलियर। अगर जो एसेक्सुअल पैरासाइट है मलेरिया के प्लाज्मोडियम के, तो वो विद इन 28 रिटर्न हो जाएंगे, मतलब आपको स्लाइड में फिर से देखेंगे, तो उसे रिक्रूडेंस और लेट ट्रीटमेंट फेलियर कहते हैं। अगर पैरासाइट नो पैरासाइट इन ब्लड 3 डेज टू 28 डेज आफ्टर ट्रीटमेंट इनिशिएशन सो रिलैप्स। ओके, मतलब अगर आप एक रिमिशन में चला गया मलेरिया, बाद में 3 वीक के बाद अगर आपको स्लाइड पे पैरासाइट दिखते हैं ट्रीटमेंट के दौरान, तो उसे रिलैप्स माना जाएगा। और ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है वो 6 मंथ से पहले बहुत कम, परंतु 6 मंथ टू 5 ईयर के चाइल्ड में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और 2 ईयर पे पीक होता है। वो कब? बच्चा रोने लगता है, और जब फुल एक्सपीरेशन में होता है, मतलब पूरा श्वास निकाल दिया होता है, तब रोना बंद कर देता है, और चाइल्ड एपनिया हो जाएगा और साइनेसिस ऑफ फेलियर देखने को मिलेगा। अगर ब्रेथ होल्डिंग स्पेस ज्यादा चलता है तो टोनिक सीजर भी देखने को मिलेंगे। फैक्टर की बात करें तो ट्रिगर फैक्टर बच्चा एंगर फ्रस्ट्रेशन पेन में होगा, तब ब्रेथ होल्डिंग स्पेस देखने को मिलेगा। बाद में आपको पेरेंट्स को क्या एडवाइस देनी, ये सेल्फ लिमिटेड है बरोबर, इससे कोई इंजरी या डेथ नहीं होती। स्पेल के दौरान आपको काम रहना है और उसे पीक नहीं करना है। बाद में आयरन चेक करना है, एनीमिया हो तो भी स्पेल हो सकता है। आफ्टर रिकवरी अवॉइड एग्जिबिटिंग अनड्यू कंसर्न और गिविंग इन द चाइल्ड्स डिमांड इफ प्रोवोक बाय एंगर और फ्रस्ट्रेशन, ऐसी कोई चीज नहीं बोलनी है जिसे एंगर या फ्रस्ट्रेशन हो। बाद में बात करें कि रेड फ्लैग साइन चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या है, तो अनेबल टू सीक विदाउट सपोर्ट बाय 10 मंथ। ये मैंने पार्ट 1 में भी कवर किया है कि डेवलपमेंट माइलस्टोन कब तक डेवलप होने चाहिए, उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो कौन सी है। तो आपको याद रखना है कैम्पेटोडेक्टाइल मतलब क्या होता है, फिंगर बेंड टिपिकली एट PIP जोन, क्लिनोडेक्टाइल मतलब कार्विंग ऑफ फिंगर, कर्विंग ऑफ फिंगर, सिंडोडेक्टाइल मतलब फिंगर स्टिक टूगेदर। देन क्वेश्चन अबाउट डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में आपको कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन आपको एनुअली करनी है, ठीक है, तो ग्रोथ, ऑडिटरी, ओक्यूलर और थायरॉइड प्रोफाइल, ये है ट्वाइस अ ईयर इन फर्स्ट ईयर एंड एन्यूअल इन 5 मंथ। कार्डियक एविजेशन कब करना है, पहले इनिशियल कॉन्टेक्ट के दौरान, अगर कार्डियक हार्ट डिसीज है तो लो लेना है। बाद में हिमेटोलॉजिकल स्क्रीनिंग कब करनी है, ल्यूकेमिया के लिए ट्वाइस अ ईयर इन फर्स्ट ईयर देन एज पर नीड, और डेंटल इन्वेस्टिगेशन मतलब डेंटल स्क्रीनिंग एनुअली करनी है, और एटलांटो ओसिपिटल सबलेक्सेशन 3rd ईयर में देखना है। बाद में बात करें डाउन सिंड्रोम का रिस्क कब ज्यादा होता है, वुमन 35 ईयर ऑफ एज और लेस हुएवर चाइल्ड विद ट्राइसोमी 21 हैव अ 1% चांस, फॉर ट्रांसलोकेशन इनहेरिटेड फ्रॉम मदर द रिस्क इज अबाउट 10% वेयर इट इज अबाउट 4 to 5% व्हेन फादर इज अ कैरियर, प्रीटर्म में अप टू 2 ईयर तक करेक्टेड एज यूज करनी है। आपको जो डेवलपमेंट माइलस्टोन है, डेवलपमेंट माइलस्टोन आपको बुक में से सारे पढ़ने हैं, ये सब इसमें आएगा, ठीक है। अगर 6 वीक ओल्ड इन्फेंट आपके पास आता है विथ इंक्रीज अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया, तो आपको डायग्नोसिस क्या करना है, कंजेनिटल हाइपरथायरॉइडिज्म के लिए करना है, जबकि डुबिन जॉनसन, रोटर सिंड्रोम, गैलेक्टोसोमिया, ये सब में कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया होता है। अगर अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया हो तो हाइपोथायरॉइडिज्म के लिए देखना है। बाद में डिसलेक्सिया के बारे में बताया, डिसलेक्सिया क्या है, तो वो है रिसेप्टिव लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी, एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसमें डिकोडिंग फ्लुएंट वर्ड रिकॉग्नाइजेशन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्किल, उसके बारे में दिया गया है। बाद में न्यूनेटल रिसक्सिटेशन के लिए बोला है, अगर आपके पास सिंगल रेस्क्यूअर है तो CPR और ब्रीथिंग का रेशियो क्या रहना चाहिए, तो एडल्ट में 30:2 और 2 रेस्क्यूअर है तो भी ये होगा, जबकि चाइल्ड में हाफ हो जाएगा। बाद में बात करें तो वेरिसेला की वैक्सीन है, उसकी प्रोटेक्टिव एफिकेसी कितनी है, तो पोस्ट एक्सपोजर में वो 70% है। बाद में डेंगू का दिया गया है, तो डेंगू आपको बुक में से पढ़ना है। PSVD अगर चाइल्ड में होता है तो उसके लिए आपको एडिनोसाइन देना है, जबकि पल्सलेस वेपटेक या तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है तो एम्बियोट्रोन देता है। बाद में बात करें कि विग्रेस बेबी किसे कहते हैं, तो स्ट्रॉन्ग रेस्पिरेटरी इफर्ट, गुड मसल टोन और
एक्टिव मूवमेंट होगी तो उसे विग्रस में भी कहेंगे और एक अच्छा साइन है। बाद में लीवर ट्रांसप्लांट की इंडिकेशन क्या है, तो उसे किंग्स कॉलेज क्राइटेरिया होते हैं। अगर एसिटामिनोपेन मतलब कि पीसीएम की टॉक्सिसिटी से लीवर फेलर हुआ है तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है लीवर ट्रांसप्लांट के लिए वो है किंग्स कॉलेज क्राइटेरिया। उसमें पीएच लेस देन 7.3 होना चाहिए आफ्टर अ फ्लूइड रिसक्सिटेशन और पीटी मोर देन 100 सेकंड, सीरम क्रिएट मोर देन 3.4 और ग्रेड 3 और 4 हिपेटिक एनसेफेलोपैथी होनी चाहिए। बाद में ओपीए है वो फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखते हैं, मेन कंपार्टमेंट में बीसीजी मिजल्स और एमएमआर, मिडल रेक में डीपीटी टीटी हिपेटाइटिस ए और टाइप 4, जबकि लोअर रेक में हिपेटाइटिस बी वेरिसिला और डायबिटीज। अगर वैक्सीन की वैक्सीन के जो अपर एज लिमिट है उसके बारे में बार बार क्वेश्चन आता है, आपको दिया गया हो कि 2 ईयर अनइम्यूनाइज्ड है तो आप कौन सी वैक्सीन देंगे, तो ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके ऊपर से आप कोई भी क्वेश्चन वो सोल्व कर पाएंगे। पहले बात करें ओपीवी, तो हम ओपीवी है वो विदिन 14 डेज तक दे सकते हैं। एक इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बर्थ डोज के बारे में बात कर रहा हूँ, जबकि आप ओपीवी 5 साल तक दे सकते हैं। पर जो बर्थ डोज है वो बच्चे के बर्थ होने के तुरंत ही दिया जाता है, वो आप अप टू 14 डेज दिया जा सकता है। और जो हेपेटाइटिस बी का जो बर्थ डोज है वो विदिन 24 आवर आपको देना है। बाद में बात करें एमआर ओपीवी और हेपेटाइटिस ए, ये ओपीवी है वो बर्थ डोज विदिन 14 डेज, बाद में आप ओपीवी है वो 5 साल तक दे सकते हैं, उसके साथ एमआर और विटामिन ए भी 5 साल तक दे सकते हैं। डीपीटी है वो आप 7 ईयर्स तक दे सकते हैं और जापानीज एनसेफेलाइटिस जेई है वो अप टू आप 15 ईयर दे सकते हैं। और जो डीटी है उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। डीटी हम जो इन्फेक्टेड हो लेते हैं उसमें भी देते हैं, जबकि टीटी देते हैं वो कोई भी आपको इंजरी हुई है तब आप टीटी ले सकते हैं, ठीक है। बाद में जो डेवलपमेंट स्क्रीनिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे, तो जो पाठक बरोड़ा स्क्रीनिंग टेस्ट वो है तो हम 30 मंथ तक चाइल्ड डेवलपमेंट स्क्रीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बाद में जो त्रिवेंद्रम डेवलपमेंट स्क्रीनिंग है वो अप टू 2 ईयर। बाद में एज और स्टेज क्वेश्चनरी है वो 1 मंथ से 5.5 ईयर के चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। और रिवाइज डेनवर 2 स्क्रीनिंग वो हम 6 साल से 0 से 6 साल के बच्चे के लिए हम यूज करते हैं। जो एक क्वेश्चन है वो 2023 में ही आया था, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। बाद में बात करें तो कुछ वैक्सीन की हम साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो जो पहले पूछी गई है पीवाईक्यू, तो मिजल्स, जो मिजल्स की साइड इफेक्ट है वो एनाफाइलेक्सिस है। अगर किसी बच्चे को एनाफाइलेक्सिस हुआ मिजल के बाद तो उसका 2nd डेज आपको होल्ड करना है। बाद में बात करें डीपीटी, तो डीपीटी से एनसेफेलोपैथी होता है। तो ऐसा क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया था कि वैक्सीन देने के बाद 10 मंथ पे सॉरी माफ कीजिएगा 10 वीक पे वैक्सीन देने के बाद बच्चे को एनसेफेलोपैथी के सिम्टोम आए, तो आप 14 वीक के जो डोज देने वाले हैं उसमें से कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे, तो उसका आंसर आएगा डीपीटी। बाद में बीसीजी की बात करें तो एडिनाइटिस होता है। और रोटा वायरस का जो वैक्सीन है उसकी बात करें तो उससे जीबीएस गुलियन बार डिजीज हो सकता है, सिंड्रोम हो सकता है। बाद में बात करें तो एक पीडिया का एक क्वेश्चन था कि अगर कोई बच्चे ने केरोसिन इंजेस्टेड किया है, ठीक है, केरोसिन इंजेस्ट करके आया है पॉइजनिंग का था, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो उसका आंसर आएगा रेडियोग्राफी, क्योंकि ये रेडियोकोपिक सोल्यूशन है तो आप रेडियोग्राफी में देख सकते हैं कि वो कहाँ तक स्प्रेड हुआ है। बाद में हम कुछ जो डेवलपमेंट माइलस्टोन होते हैं उसकी अपर लिमिट पूछेंगे, कि उसमें पूछा गया होगा कि बच्चा है उसमें विजुअल फिक्सेशन कब होता है, तो जो विजुअल फिक्सेशन है यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप अपनी जो नोट्स बनाए हैं उसमें फुल लिखना, वो 2 मंथ तक हो जाना चाहिए। बाद में जो वोकलाइजेशन है तो वो वोकलाइजेशन 6 मंथ तक हो जाना चाहिए। वॉकिंग अलोन है, ठीक है, बच्चा खड़े होकर अपने आप से बिना किसी सपोर्ट के चल सके उसकी अपर लिमिट है 18 मंथ, जबकि 18 मंथ पर बच्चा रन करता है, जो नॉर्मल बच्चा है वो 18 मंथ पर रन करता है, परंतु उसमें वो अकेला चल सके ये तो होना ही चाहिए 18 मंथ तक उसकी अपर लिमिट है। बाद में सिंगल वर्ल्ड कप तक स्पीच करेगा तो उसकी अपर लिमिट भी 18 मंथ है। बाद में इमिजिनेटिव प्ले मतलब वो बच्चा
खेलने कब तक लग जाएगा, तो उसकी अपर लिमिट है 36 मंथ। ठीक है, तो ये अपर लिमिट है वो यूपीएससी सीएमएस के प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। विजुअल फिक्सेशन 2 मंथ, वोकलाइजेशन 6 मंथ, वॉकिंग अलोन 18 मंथ और सिंगल वर्ड 18 मंथ, जबकि इमेजिनेटिव प्ले 36 मंथ। ये आपको याद रखना है। बाद में बात करें तो बच्चे में डेंगू का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इतने दिनों से डेंगू है, तो उसमें 7th डे डेंगू के लिए अगर दिया गया है तो आपको तय करना है कि उसके लिए आप कौन सा है तो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो डेंगू के लिए हम क्या, एक NS1 चेक करते हैं, एक IgM चेक करते हैं और एक IgG चेक करते हैं। अगर बच्चे को फीवर 7 दिनों से, तो उसमें जो NS1 है वो नेगेटिव आ सकता है। क्यों? क्योंकि NS1 है वो फर्स्ट 6 डे में ही डिटेक्ट होता है, और बात करें IgM की तो वो 5th डे से डिटेक्ट हो सकता है अप टू 2 to 3 मंथ, और IgG है वो तो लेटर दिखने को मिलेगा, मतलब कि जब क्योर हो जाएगा तब देखने को मिलेगा, एंटीबॉडी डेंगू के अगेंस्ट डेवलप होगी तब दिखने को मिलेगा। तो PYQ में क्या क्वेश्चन था कि बच्चे को 7 दिन से फीवर, तो अब 7 दिन से फीवर है, 7 दिन से डेंगू के सिम्टम्स है, तो उसमें NS1 तो नेगेटिव आएगा क्योंकि वो अप टू 6 डे ही होता है, तो उसका आंसर आएगा IgM। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था तो वो था DQ, डेवलपमेंट कॉन्टिनेंट। आप बच्चे में जो डेवलपमेंट माइलस्टोन देखेंगे उसके ऊपर से आप एक उसकी एज तय करेंगे कि जो बच्चे में डेवलपमेंट हुआ है वो उसकी एज क्या है, मतलब कि ऑब्जर्व एज क्या है, और उसकी जो रियल एज है मतलब क्रोनोलॉजिकल, तो वो क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि अगर DQ है, डेवलपमेंट कॉन्टिनेंट है, वो लेस देन 70% हुआ तो उसे डिले डेवलपमेंट कहा जाएगा। ये PYQ में पूछा गया है, DQ लेस देन 70% होगा तो उसे डेवलपमेंट डिले किया जाएगा। बाद में ऐसा पूछा गया कि कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी स्पेसिफिक है, मतलब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में किन किन चीज़ों का समावेश होता है, तो उसमें एक तो आता है डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया का मतलब डिफिकल्टी इन रीडिंग। बाद में आएगा डिसग्राफिया, डिसग्राफिया का मतलब इलिजिबल टू हैंड राइटिंग एंड स्पेलिंग। ठीक है, बाद में डिसकैल्कुलिया मतलब वो काउंट नहीं कर सकते, तो ये जो है वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इसकी PDF मैंने आपको बोला कि मेंबर के लिए अवेलेबल है, अगर आप PDF नहीं कर सकते तो आप इसकी नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, बाद में जो बात करें कि पैथोजेनिक सिटी है, मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसीज के बारे में पूछा गया था कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसीज है उसमें पैथोजेनेसिस में क्या क्या समावेश होता है, तो उसके बारे में बात करें तो एक आएगा फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ट्यूबुलर स्क्लेरोसिस, एंगलमैन सिंड्रोम, और दो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आएंगे, कौन से, तो फिनाइल क्यूटेनुरिया और हाइपोथायरॉयडिज्म। ये डिसीज है वो पैथोजेनेसिस ऑफ ऑटिज्म के साथ होते हैं, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ट्यूबुलर स्क्लेरोसिस, एंगलमैन सिंड्रोम और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, बाद में एंटीलेप्टिक ड्रग का जो एंटीडोट पूछा गया था, कोई बच्चे ने ज्यादा एंटीलेप्टिक ड्रग ली है तो उसका एंटीडोट क्या है, तो उसके लिए 4 आंसर में आएगा। बाद में एक डेवलपमेंट माइलस्टोन के तो कई ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपको पूरे डेवलपमेंट माइलस्टोन टेक्स्ट बुक में से याद करने हैं। यहाँ पे मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ने से सोल्व नहीं कर सकते। अगर आपको जो बच्चे में ग्रास्प है वो एसेस करना है तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको रेड क्यूब यूज होगा, ये शायद 2023 में ही पूछा गया था। बाद में अगर आपको फाइन मोटर स्किल, बच्चे में फाइन मोटर स्किल है तो उसका एसेसमेंट आप पेलेट के यूज से कर सकते हैं। बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूट्रिशन सपोर्ट क्या है, आप लो बर्थ बेबी हुआ है तो उसमें न्यूट्रिशन सपोर्ट आप क्या क्या देंगे, तो उसमें है एक तो आप विटामिन डी देंगे। ठीक है, तो विटामिन डी में आपको 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे देना है, वो आपको 2 वीक से 1 ईयर तक देना है, ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, ये 2023 में पूछा गया था। जबकि आप आयरन सप्लीमेंट है वो 2 mg पर kg पर डे देंगे, वो कहाँ आपको 6 वीक से चालू करेंगे, 6 वीक से आप 8 वीक टू 1 ईयर ऑफ एज आप आयरन सप्लीमेंट देंगे। ऐसा पूछा गया था कि नर्चरिंग केयर में क्या इंक्लूड होता है, तो नर्चरिंग केयर में क्या इंक्लूड होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नर्चरिंग केयर में एक तो हेल्थ इंक्लूड होगा,
बाद में न्यूट्रिशन इंक्लूड होगा, बाद में एक रिस्पॉन्सिव केयर इंक्लूड होगा, बाद में सेफ्टी और सिक्योरिटी इंक्लूड होगा, और अर्ली लर्निंग। ये पांच कंटेंट है वो न्यूट्रिशन, सॉरी आपकी जगह नर्टरिंग केयर में इंक्लूड